ओके मुकैमोज बी रेडी, पहले सीधा बैठ खरबूजे और एकदम सीधे बैठकर प्यार से टॉपिक का नाम लिखिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। चलो जल्दी 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 लिखो, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग लिखा आपने? Okay, so write down this topic is important topic. Important topic. कितनी बार आया एग्जाम में जब पुराने सिलेबस में था? So write down out of 10 times it was asked around 6 times. Out of 10 times it was asked for 6 times. Not a very heavy weight topic. ज़्यादा heavy weight नहीं है. Around 8 मार्क के करीब में आता है. Easy भी है. ठीक है. अब इस टॉपिक को शुरू करने के पहले कुछ चीजें लिख कर ले लीजिए. Right? Target. Target 1 hour and 30 minutes, 1 hour and 30 minutes. डेढ़ घंटे में ये टॉपिक along with problems करेंगे. Write down along with problems. Now why am I using the word along with the problems in this particular what I can say chapter? The reason is very simple कि इस चैप्टर में, इस चैप्टर्स में अगर आपको मार्क्स चाहिए तो बेटा जी कैलकुलेशन पार्ट बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा और कैलकुलेशन पार्ट कहीं कहीं जगह पे कुछ बहुत माइन्यूट है और अगर वो थोड़ा सा भी स्लिप हो गया ना सो विल लूज ऑन द मार्क्स. सो 8 मार्क बोनस है प्रोवाइडेड यू सी ईच एंड एवरी कैलकुलेशन बिफोर यू गो टू द एग्जाम्स. मतलब लास्ट में आपके पास 3-4 दिन पहले अगर आप पढ़ाई शुरू करेंगे, राइट, ग्रुप 1 का पेपर है, 3-4 दिन पहले पढ़ाई शुरू करेंगे तो 1.5 घंटा में ज्यादा नहीं मांग रहा हूं आपसे, 1.5 घंटे में टॉपिक पूरा अच्छे से हो जाना, ये आपके दिमाग में टारगेट है. ऑलराइट, और अलॉन्ग विथ क्वेश्चंस आपको करना है तो इसके पहले आपको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेडली टॉपिक को देखना होगा. इज दैट ओके? ऑलराइट, लेट्स गो ऑन. सो बॉयज एंड गर्ल्स फर्स्ट कम डाउन टू दिस पार्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट. ओके, सो एज पर AS 13 एंड ऑन जनरल बेसिस ऐसा मैंने एक चार्ट बनाया. एज पर AS 13 मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग. ऑलराइट, तो आपके सिलेबस में AS 13 भी है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग. Is that okay? So AS 13 के हिसाब से investments are classified as current investment, non-current investment, that is long-term investment, and investment property. Is that okay? Out of this AS 13, we are going to deal with these two things clearly: current asset and non-current asset. Is that okay? Now, when I use the word current or long-term investment, what is that makes current or long-term? What is that makes current or long term? So then I come down to the first point of this chapter, which says that it is the intention of the management. Management invested in securities, whether to classify this investment into current or non-current depends upon the intention of the management. Now what is the intention of the management? If the intention of the management is to hold for greater than 12 months, then it becomes what? Long term. Similar to like capital gains shares. Shares में ऐसे ही है ना, if you hold it for more than 12 months, then it becomes what? Long term capital gain. So मेरे बच्चों, अगर आपका intention है, अब मान लो ऐसा हो गया कि आपने buy किया और buy करने के बाद में you have sold it within 6 months, still it will be classified as long term investment only. Am I communicating? So if the intention of the management is to hold it for more than 12 months, it will be classified as what? Long term. सर क्लासिफाई करने से क्या हो जाएगा? ये क्लासिफाई करने से बेटा उनका क्लोजिंग बैलेंस कौन सी वैल्यू पर आएगा ये डिपेंड करेगा. बट गोइंग फर्दर लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इन्वेस्टमेंट. तो पहले मैंने आपको क्या समझाना शुरू किया, AS 13 के हिसाब से 3 चीजें होती है, करंट, लॉन्ग टर्म और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. उसमें से मैंने कहा मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगा, करंट और लॉन्ग टर्म. फिर मैंने आपको कहा कि करंट और लॉन्ग टर्म में फर्क क्या है. तो करंट वो होता है विच इज एक्वायर्ड विद एन इंटेंशन ऑफ लेस देन 12 मंथ्स होल्डिंग पीरियड, और नॉन करंट क्या होता है या लॉन्ग टर्म क्या होता है, विच इज एक्वायर्ड फॉर एन इंटेंशन टू बी हेल्ड मोर देन 12 मंथ्स. नाउ व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट क्या है? तो इन्वेस्टमेंट इज व्हाट? लिसन, इन्वेस्टमेंट हम बात कर रहे हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की, तो इंटेंडेड टू बी हेल्ड for more than 1 year, but it is what? It is for earning income by way of dividend, interest, rentals for capital or for capital appreciation. Means what? मैं इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं कि एक ऐसी एसेट जिससे आप क्या कमाओगे, या तो इंटरेस्ट, या तो डिविडेंड, या एप्रिसिएशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल्स और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। नाउ इंटरेस्ट मतलब मान लो तुमने एफडी खरीदी है, तुमने मान लो डिबेंचर खरीदे किसी कंपनी के, बॉन्ड्स खरीदे, राइट, एनएससी सर्टिफिकेट खरीदे, ये सारी चीजें आपको क्या देते हैं? इंटरेस्ट। सो ये एसेट है बट इट इज गोइंग टू अर्न द इनकम वाया इंटरेस्ट और डिविडेंड। तुमने शेयर्स खरीदे, शेयर से क्या मिलने वाला है? डिविडेंड। एट द सेम टाइम यू ऑल्सो गेट कैपिटल एप्रिसिएशन, उनका भाव भी बढ़ते रहता है। या तुमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है जिससे आपको क्या मिलने वाला है? रेंटल या फिर उनका कैपिटल एप्रिसिएशन भी। डू यू ऑल एप्रिशिएट? तो ये डेफिनेशन किसने दिया है? AS 13 ने। सो राइट डाउन व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। राइट डाउन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स आर असेट हेल्ड, ये वाला पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट्स आर असेट हेल्ड, अंडरलाइन द वर्ड असेट हेल्ड। इन्वेस्टमेंट्स आर असेट हेल्ड by an enterprise, investments are asset held by an enterprise for earning income by way of dividend comma interest and rental for capital appreciation rental और for capital appreciation। ठीक है, आगे लिखिए। asset held as stock in trade are not investment Am I communicating? बच्चों अब एक छोटी सी बात पूछना चाह रहा हूं आपको। Asset held as stock in trade are not investment। सो अब आपको एक बात पूछना चाह रहा हूं। तो कुछ asset ऐसी होती है हमारे बिजनेस में जो क्या करती है? बिजनेस को चलाने के लिए काम आती है। जैसे बेंचेस, प्लांट एंड मशीनरी, दे आर ऑल्सो असेट बट दे आर हेल्ड फॉर यूज। जब AS 10 पढ़ेंगे ना PPE तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि वर्डिंग के मायने कितने इंपॉर्टेंट है। Those are the asset which are held for use, but this is not the asset held for use. It is the asset held for earning income via rental, interest, dividend, or for capital appreciation. Are you getting my point? और वही अगर तुम inventory का definition देखोगे as per AS 2, they are not, the word used is not held for use, but the wording used is held for resale or held for consumption in the ordinary production activity of the entity. इसीलिए definition के wordings के पास ध्यान देना जरूरी है। तो ये भी असेट ही है बड़ी किसके लिए हमने देखा। इज दैट ओके? सो बेटा इसके साथ अब मैं आपसे ये भी एकदम कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि इतना होने के बाद में AS 13 के रिलेशन का डिस्कशन मेजर पार्ट में हो गया है। सिर्फ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा पेंडिंग है। मतलब अब ये चैप्टर पूरा रुख बदल लेगा इन फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो AS 13 का डिस्कशन पहले मैंने किया, इसमें भी वैल्यूएशन रहा है, बाकी मेजर डेफिनेशन हो गया, कितने टाइप के इन्वेस्टमेंट है वो देख लिया। एग्रीड? अब इसका वैल्यूएशन कैसे होता है, इसकी कॉस्टिंग कैसे होती है, ये हम प्रॉब्लम के साथ साथ डील करेंगे। तो कैन यू प्लीज सी दिस इज द बैलेंस शीट, दिस आर द असेट। नॉन करंट मतलब इंटेंडेड टू बी हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर। द वर्ड इज इंटेंडेड। होल्ड नहीं भी किया तो भी ठीक है, बट जनरली इट शुड बी हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स। एंड करंट का मतलब क्या? इंटेंडेड टू बी होल्ड और हेल्ड फॉर नॉट मोर देन 12 मंथ्स शॉर्ट टर्म। और ध्यान रहे ये किसके लिए होता है? अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ सो एंड सो। गोइंग अहेड, अब इस चार्ट पर आगे बेटा। नाउ व्हाट इज करंट इन्वेस्टमेंट? दीज आर द इन्वेस्टमेंट्स आर रेडिली रियलाइजेबल एंड आर इंटेंडेड टू बी हेल्ड फॉर नॉट मोर देन 1 ईयर फ्रॉम विच डेट सच इन्वेस्टमेंट्स आर मेड। सो यहां पर रूल ऐसा नहीं है कि बैलेंस शीट डेट के बाद में 12 महीने नहीं देखना। फ्रॉम द डेट व्हेन यू एक्वायर्ड, उसके 12 महीने के भीतर अगर आप बेचने वाले हो तो वो करंट इन्वेस्टमेंट है। एग्जाम्पल, अच्छा इसको वैल्यू कैसे करते हैं? कैरिंग अमाउंट, राइट, और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। सो राइट डाउन करंट इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। cost or fair value, whichever is lower. Cost or fair value, whichever is lower. Have you done? Yes, sir. Now next, long term investment बेटा अभी आपको पता ही है, but इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं. They are carried at cost. Any permanent decline in the value is charged to P&L account. मतलब जनरली हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को किस वैल्यू पर दिखाते हैं? एट कॉस्ट ओनली. ओनली व्हेन देयर इज अ परमानेंट रिडक्शन इट्स वैल्यू वी आर गोइंग टू शो इट एट व्हाट? द रिड्यूस्ड वैल्यू. बट ध्यान रहे, यही AS 13 का सबसे वीक पॉइंट बना. इसीलिए बेटा जी AS 13 नाम का स्टैंडर्ड IFRS और इंडेस में से नदारद है, गायब है. उसको रिप्लेस कर दिया इंडेस 107, 109 एंड इंडेस 32, जहां पे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है. और अगर आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग करनी है तो उसके लिए अलग से स्टैंडर्ड बनाया IFRS में. मतलब ये जो दो अकाउंटिंग हम यहां पर किया करते थे ये पूरा का पूरा गायब हो गया. तो ये स्टैंडर्ड अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है. क्योंकि तुमको AS एप्लीकेबल इसलिए ये पढ़ा रहा हूं, बट रियल लाइफ में कोई भी लिस्टेड कंपनी ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं करती, क्योंकि यही तो गलत हो गया ना. मतलब मान लो मैनेजमेंट के हाथ में तो जैसे एक जादू की छड़ी आ गई, इन्वेस्टमेंट गलत भी हुआ और अगर उनको नहीं दिखाना है यूजर्स को तो क्या करेंगे? वो बोलेंगे कि नहीं, वो जो रिडक्शन इन द वैल्यू है वो टेम्पररी है. टेम्पररी बोलते ही बात खत्म हो गई. तुम इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट पर दिखाओगे और करेक्ट पोजीशन कभी भी यूजर्स तक पहुंच नहीं पाएगी. एम आई कम्युनिकेटिंग? सो राइट इट डाउन माय डियर फ्रेंड्स. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट, विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट. Unless there is a permanent reduction in the value of investment. Unless there is a permanent reduction in the value of investment. Have you understood this point? Okay. Now investment property. Investment in land building which is not intended to be used substantially for the purpose of operations of the business. Is that okay? Now come down to the next on general basis. Which are the two types of investment? Fixed income bearing security and variable income bearing security. Write down important. अब जो हमको एग्जाम में सॉल्व करना है वो इसके बेसिस पर करना है. ये हो गया AS 13 का ज्ञान गणित. बट अभी क्या बोल रहा हूं मैं? इन्वेस्टमेंट को अदर तरीके से कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटी एंड वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटी. अगर आपको एक बात समझ में आ रही है तो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है उसकी अकाउंटिंग नहीं चेंज होगी, सिर्फ वैल्यूएशन चेंज हो रहा है. मतलब लास्ट में वैल्यूएशन कैसे करना है वो चेंज हो रहा है, बट अकाउंटिंग, उसका कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस रिमेन्स सेम. ओके, सो नाउ फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज व्हाट? लाइक जिस पर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा ही. Debenture is a fixed income bearing security. Bonds is a fixed income bearing security. But if I talk about equity shares are not fixed income bearing security. क्योंकि उसके ऊपर की इनकम फिक्स्ड नहीं है. रिमेंबर, इन दोनों का अकाउंटिंग अलग अलग होगा, तरीका पूरा अलग है. राइट? सो फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी के एग्जाम्पल लिख लो बेटा जी, इधर हाईलाइट कर दो. इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिबेंचर. यस और नो? इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डिबेंचर. और इसमें क्या है? दिस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज कैरीज फिक्स्ड रेट ऑफ इनकम एंड एक्रूज रेगुलरली. प्लीज हाईलाइट द वर्ड एक्रूज रेगुलरली. मतलब क्या? फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी में एक्रूअल कॉन्सेप्ट इज फॉलोड. राइट डाउन, एक्रूअल कॉन्सेप्ट इज फॉलोड. एक्रूअल कॉन्सेप्ट इज फॉलोड. एक्रूअल कॉन्सेप्ट इज फॉलोड. मतलब फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी में एक्रूअल कॉन्सेप्ट है. इंटरेस्टिंगली वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी है, उसके आगे लिख दो एक्रूअल कॉन्सेप्ट इज नॉट फॉलोड. वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी. राइट डाउन, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट फॉलोड फॉर इनकम. फॉर इनकम मैं इस लाइन का मीनिंग क्या है आपको बताऊंगा. राइट देखो मैं क्या बता रहा हूं. मैंने अगर तुमको 10 दिन के लिए भी लोन दिया ना सर, तो मैं बोलूंगा इंटरेस्ट दे भाई. बट मान ले 10 दिन के लिए मैंने तेरे को कैपिटल दिया तो मैं नहीं बोल सकता डिविडेंड दे. डिविडेंड डज नॉट फॉलो एक्रूअल कॉन्सेप्ट. लोन का मीटर कैसे होता है? जिस दिन दिया उस दिन से इंटरेस्ट का मीटर चालू. बट अगर मान ले मैंने लोन नहीं कैपिटल दिया तो उसके लिए बेटा साल रुकना पड़ेगा और उसके बाद में प्रॉफिट हुआ तो ही मिलेगा। मतलब डिविडेंड की खास बात है, इट डज नॉट फॉलो एक्रूअल कॉन्सेप्ट, इट इज टू बी रिसीव्ड और पेड व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड एंड डिक्लेयर्ड विल डिपेंड अपॉन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंटिटी। तो यहां पर ये बहुत सॉलिड लोचा हो गया। इसके वजह से ध्यान रखना कि इन दोनों में अकाउंटिंग में कोई समानता नहीं है। अगर तुमने समानता ढूंढी तो बस फंस गए। बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट। हैव यू अंडरस्टूड? क्योंकि एक एक्रूअल फॉलो करता है और एक एक्रूअल फॉलो नहीं करता है। दोनों के फॉर्मेट अलग है, दोनों के लॉजिक अलग है। तो ये टॉपिक एक नहीं है, दो टॉपिक दो है, एक फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी और एक वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी। वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी का एग्जांपल क्या बेटा जी? इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी। हाईलाइट दिस, इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। और मैं इसको वेरिएबल क्यों बोलता हूं? चेंज क्यों होते रहता है? वेरिएबल मतलब चेंजिंग ना। सिंस इनकम फ्रॉम डिविडेंड डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। डू यू ऑल एप्रिशिएट? ऑलराइट, सो यू हैव अंडरस्टूड टिल दिस पॉइंट। नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू कम डाउन टू द नेक्स्ट पेज। एग्रीड? और अपने नोटबुक में लिखिए फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी, या फिर एक काम करिए कंसेप्ट के ऊपर ही लिख लीजिए, कंसेप्ट ऑफ एक्रूड एंड ड्यू। इसको लिख देंगे। ये किसके रिलेशन में सिखा रहा हूं? फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी। अब बेटा जब तक मैं बोल ना दूं तब तक मैं फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी के बारे में ही बताते रहूंगा। ये हेडिंग आनी चाहिए थी, हेडिंग मिस हो गई। पॉइंट नंबर 1 के ऊपर हेडिंग आनी चाहिए थी। इनकम टैक्स एक्ट में आपने पढ़ा था, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीट बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर। सो द वर्ड इज ड्यू। एग्रीड? बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्यू एंड एक्रूड? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्यू एंड एक्रूड? No. Absolutely right. Whatever he is saying is absolutely right. Let me explain you an example. अभी हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्रू हो रहा है, इट इज नॉट गेटिंग ड्यू। ड्यू मतलब इट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट ऑफ द पर्सन डिमांडिंग द मनी एंड इट इज कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे द मनी। जिस दिन ड्यू हो गया उस दिन मैं कहीं भाग नहीं सकता, मुझे इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा और सामने वाला आदमी को इंटरेस्ट मिलेगा, उसके पास राइट है, वो उसको बोलते हैं ड्यू। तो जैसे जो लोग सैलरी में काम करते हैं इधर अभी, राइट, तो जो आते हैं काम करते हैं हमारे साथ में, वो हर रोज जाके नहीं बोल सकते पैसा दो पैसा दो, क्योंकि मैं उसको क्या बोलूंगा? भाई तू जब काम कर रहा है तो तेरी सैलरी एक्रू हो रही है बट ड्यू नहीं हो रही है। सो ड्यू होगी पॉसिबली महीने के 7वें दिन, एट द एंड ऑफ द मंथ, ऑन 7th डे, on 4th day, on 5th day, on 7th day. Are you getting my point? So lovely people, salary becomes accrued. Salary becomes accrued for 1st April to 30th April. But 30 April को भी वो जाके आदमी खड़ा नहीं हो सकता अगर उसकी ड्यू डेट 7 तारीख है। तो ड्यू मतलब जब वो एक्चुअली ड्यू बनती है, जब तुम कॉन्ट्रेक्चुअली जाके बोल सकते हो कि मेरा पैसा दे, और अगर नहीं दिया सो आई विल गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ। So there is a difference between the concept of accrue and due. सर भला ये क्यों सिखा रहे हो आप? अब देखो कितना मजा आएगा तुमको ये समझने के लिए टॉपिक। तो पहले मैंने कॉन्सेप्ट समझाया आपको accrued और फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ड्यू। accrued और ड्यू सभी को क्लियर है? ऑलराइट। इधर एक जगह दी हुई है, इधर लिख लीजिए, अकाउंटिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ accrual. But payment is done on the basis of due concept. मतलब लेन देन का व्यवहार ड्यू के बेसिस पर होता है बट अकाउंटिंग का व्यवहार एक्रूअल के बेसिस पर होता है। तो अकाउंटिंग एंट्री कैसे करेंगे? एक्रूअल। बट लेन देन का व्यवहार किसके बेसिस पर होगा बेटा जी? ड्यू। शैल आई टेक यू हेड? Here we go, next point. Next case study में आपके सामने लेके आया हूं बेटा जी। देखिए क्या लिखा है, एबीसी लिमिटेड इश्यूड डिबेंचर। सो एबीसी लिमिटेड के लिए क्या हो गई? इन द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड इट इज अ लायबिलिटी और ये क्या बन गया इन्वेस्टर की बुक में असेट। अब मुझे बताओ क्या ये फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटी है? तो मैंने इसको लिख दिया फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटी। एग्रीड, फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटी। डिबेंचर पर इंटरेस्ट फिक्स मिलता है। अब जरा कंपनी के इधर आ जाइए, कंपनी की मजबूरी देखिए। मजबूरी, कंपनी की मजबूरी क्या है? बेटा कंपनी ने जो डिबेंचर इश्यू किए थे, जाहिर सी बात है उनके पास कैश आई होगी, और उस कैश से उन्होंने ये पैसा कहां पे लगा दिया? रोड बनाने में। एक एग्जाम्पल, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। तुम एफएम में पढ़ोगे लॉन्ग टर्म लोन इज यूज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो दे मस्ट हैव फंडेड अ रोड और एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब इसके वजह से मेरा लफड़ा हो गया ना, 5 लाख रुपए लग गए इधर। अब मेरे को पैसा चाहिए, मैं इन्वेस्टर हूं, आई एम एन इन्वेस्टर, आई वॉन्ट मनी एंड आई गो टू द कंपनी एंड आई से हे ब्लडी डैम इट, गिव मी माई मनी बैक। सो कंपनी बोलेगी सर हम नहीं दे सकते आपको पैसा, क्योंकि हमारा पैसा तो रोड में लग गया है। बट मेरे को तो प्रॉब्लम है ना, अगर मैंने किसी को लोन दिया और मेरे को अड़चन आ जाएगी तो मैं क्या बोलूंगा? भाई लोन दे, पैसा वापस दे। एफडी ऐसे ही कर देना, हम एफडी कराया 5 साल का, बट बीच में ही प्रॉब्लम हो गई तो एफडी तोड़ते हो कि नहीं तोड़ते हो? सेम लॉजिक हुआ, मैंने लोन तो दे दिया, बट लोन देने के बाद में मैंने बोला मेरे को पैसा चाहिए भाई। अब अगर कंपनी बोल देती कि मैं पैसा दूंगी नहीं, सो दैट विल स्प्रेड अ नेगेटिव सेंटिमेंट अबाउट द होल बॉन्ड मार्केट। सो जनरली दिस इज नॉट डन। सो देयर इज अ मार्केट वेर इन यू कैन ट्रेड दोज इन्वेस्टमेंट। There is a market where you can what? Trade those investment. You can trade on bonds, debenture. तुमको लिक्विडिटी चाहिए तो क्या करोगे? तुम जाके ट्रेड कर सकते हो उसमें। यस, तो उस मार्केट में बहुत सारे बायर और सप्लायर एक साथ होते हैं, क्योंकि हम कंपनी के पास तो नहीं जा सकते। तो मैंने कंपनी को बोला ठीक है सर, तुम रोड के 5 लाख रुपए आपने लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी इंटरेस्ट तो दे दो मेरे को। मैंने 5 साल के लिए पैसा दिया, 1 साल हो गया, इंटरेस्ट तो दे दो। कंपनी ने बोला कि हाँ सर, बट हम इंटरेस्ट भी आपको ड्यू डेट के दिन ही दे सकते हैं, क्योंकि ड्यू डेट के दिन ही हम कंपलसरी को क्या कर सकते हैं? मजबूर कर सकते हैं और बोलेंगे कि तू पैसा दे। ड्यू डेट नहीं हो तो आई कैन नॉट गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड आई कैन नॉट से दैट दिस पीपल आर नॉट पेइंग मी द मनी। डीएस के पुणे के जो बिल्डर है उनके ऊपर केस कब हुआ? जब पैसा ड्यू हुआ और वो दे नहीं पाए, तब जाके केसेस हुए ना। ड्यू डेट के पहले अगर तुम जाके केस करोगे तो कोई केस एंटरटेन नहीं करेगा, बट इंटरेस्ट तो एक्रू हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ लवली पीपल, प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम टीचिंग यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखो, ये 1 जनवरी 2017, डिबेंचर्स आर सोल्ड टू इन्वेस्टर बी ऑन 1 मार्च। मतलब 1 जनवरी को तुम्हारे पास बैलेंस था, ये प्लीज फील करना। यू हैड डिबेंचर्स विथ यू। नाउ व्हाट हैपेंस इज द ड्यू डेट इज 30 जून, बट तुम 30 जून तक रुक नहीं सकते, तुमको उसके पहले ही पैसा चाहिए। तो तुम क्या करते हो? तुम मार्केट में इस डिबेंचर को बेचने जाते हो। तुमको याद है मैंने कहा था ओपन मार्केट होता है वेर इन यू कैन ट्रेड, तो वहां पर अलग अलग इन्वेस्टर आकर वो डिबेंचर के बीच में बाय सेल करते रहते हैं। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि कंपनी आपको इंटरेस्ट देगी 30 जून को, कितने महीने का? 6 महीने का, अज्यूमिंग दैट 6 मंथ्स दे विल गिव यू द इंटरेस्ट। बट मैं बेच रहा हूं 1 मार्च को, तो मैं सामने वाले आदमी को क्या बोलूंगा? भाई 2 महीना मैंने होल्ड किया है, 2 महीने का इंटरेस्ट दे। तो ड्यू डेट ना होने के बावजूद भी मैं सामने वाले आदमी से क्या मांगूंगा? इंटरेस्ट। Are you getting my point? The concept समझ में आ रहा है क्या? So debenture follows the concept of accrual. तो accrual के basis पर मैं उससे interest मांगूंगा। Agreed? So can you not see 1 जनवरी से लेकर 1 मार्च इतना interest? तो इस sequence को पढ़ते हैं। Debentures are sold to investor B on 1 मार्च। ये पहले किसके पास थे? ये इन्वेस्टर ए के पास थे क्या? इन्वेस्टर ए ने बी को बेचे। अब इन्वेस्टर ए ने बी को बेचे तो कौन सी तारीख को बेच रहा है? 1 मार्च। सो बेटा 1 जनवरी से लेकर 1 मार्च तक होल्डिंग किसके पास था? ए के पास। सो ए वांट्स इंटरेस्ट। ए कैन नॉट गो टू द कंपनी, सो ही विल गेट द मनी फ्रॉम होम? बी। सो माय डियर फ्रेंड, हम आगे क्या लिखते हैं? इन्वेस्टर ए इज एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2017 टू 28 February 2017. ABC Limited will pay interest on 30th June 2017 for the period 1st Jan 17 to 30th June 2017. Are you getting my point? मतलब कंपनी ये देखती नहीं बैठेगी कि कितने पीरियड किसके पास है। कंपनी सीधा रूल है, ड्यू डेट के दिन जो उसके पास वो डिबेंचर लेके आ जाएगा उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। कितने महीने का? 6 महीने का। इज दैट ओके? सो राइट डाउन अ नोट, यहां पे नोट लिखो, राइट डाउन अ नोट। Company will pay interest from due date to due date. Due date to due date. Company will pay interest from due date to due date. क्या मेरी बात पहुंची अब तक? कंपनी विल पे इंटरेस्ट फ्रॉम व्हाट? ड्यू डेट टू ड्यू डेट. और किसको देंगे? लिखिए, इट विल पे टू द होल्डर ऑफ डिबेंचर. इट विल पे इंटरेस्ट टू द होल्डर ऑफ डिबेंचर. इट विल पे इंटरेस्ट टू द होल्डर ऑफ डिबेंचर. नाउ यू आस्क मी व्हाट इज द होल्डर ऑफ डिबेंचर? सिंपल है, जो रहेगा हाजिर उसको मिल जाएगा. हाँ या नहीं? जो रहेगा उसको क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट. मतलब ये नहीं देखती बेटी की कंपनी तेरे पास कितने दिन से है, उसके पास भले एक दिन के लिए हो, बट ड्यू डेट के दिन उसके पास डिबेंचर आओ, उसको कितने महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा? 6 महीने का. से यस, यू आर लवली पीपल टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम. नाउ कैन आई टेक यू टू द नेक्स्ट स्टेप? बचपन में सुंदर टीचर थी क्या? नसीब फूटा हुआ था, मैं क्या करूँ अभी. मेरी सुंदर टीचर थी एकदम. चलो बताओ, इन्वेस्टमेंट की एंट्री क्या सिखाई तुमको? डरता क्यों है खरबूजे? हाँ हाँ तू ही, रेड टी शर्ट. इन्वेस्टमेंट क्या है, एंट्री क्या है बताइए? बिल्कुल सही, यही एंट्री सिखाई. इन्वेस्टमेंट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ये एंट्री करा दी. हाँ या नहीं? बट बेटा जी ये एंट्री थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि जब वो ए बी को इधर बेच रहा था तो वो बोल रहा था कि 2 महीने का इंटरेस्ट मुझे मिलना चाहिए. तो बेचते वक्त उसने कहा कि मुझे आपसे 2 चीजों के पैसे चाहिए, एक मेरे इन्वेस्टमेंट के और दूसरे क्या? इंटरेस्ट के. हाँ या ना? तो मेरे रसगुल्ले बच्चों, जो बी जब इसको खरीद रहा था तो बी ने क्या बोला? मैंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट बाय नहीं किया, मैंने इन्वेस्टमेंट का पैसा दिया. और किसका दिया? इंटरेस्ट का. अगर गौर से देखोगे तो इन्वेस्टमेंट इज अ रियल अकाउंट, इंटरेस्ट इज अ नॉमिनल अकाउंट. दोनों को सेग्रीगेट करना जरूरी है मेरे भाई. तो आपकी एंट्री जो सुंदर टीचर ने बताई थी, सैड, वो एंट्री अभी गई. तो आपकी एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. पागलपन नहीं करने का, इधर आउटस्टैंडिंग की एंट्री नहीं होती. क्यों नहीं होती? मैं तुमको सिंपल रूल बता दूं. इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी बॉट ऑन क्रेडिट. कैन इट बी बॉट ऑन क्रेडिट इन्वेस्टमेंट? नो. सो दैट इज द रीजन माई एंट्री वुड बी वॉट? आई एम राइटिंग इट डाउन. इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. से यस. बेटा तुम होशियार हो, जो पैसा दे रहे हो वो किसका किसका दे रहे हो? इन्वेस्टमेंट का और किसका? इंटरेस्ट का. से यस. अभी इसी चीज को मुझे कुछ तो बोलना पड़ेगा, तो इसको मैं बोल दूंगा कॉस्ट, और कॉस्ट को और एक नाम दे दूंगा एक्स इंटरेस्ट. एक्स का मतलब समझते हो तुम? वो वाला नहीं, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है ये. एक्स मतलब क्या? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट. और इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट. इसका शॉर्टकट दे दूं क्या? लास्ट ड्यू डेट टू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. बोल भाई चंदू, लास्ट ड्यू डेट टू व्हाट? डेट ऑफ ट्रांजैक्शन और टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. कम इंटरेस्ट. कम इंटरेस्ट का मतलब है क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, मतलब पैसा देंगे क्यूमुलेटिव ऑफ इंटरेस्ट. मेरे को एंट्री नहीं समझ में, मैं भूल गया हूं. इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट विच प्राइस? एक्स इंटरेस्ट प्राइस. फिर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट एक्रूड इंटरेस्ट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. हाँ, कम इंटरेस्ट टू कैश ऑब्लिक बैंक, कम इंटरेस्ट. थैंक यू. अच्छा मैं आपसे एक बात बोलूं क्या? बाय करते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बट सेल करते वक्त धक धक होनी चाहिए. बाय करते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सेल करते वक्त धक धक होनी चाहिए. अगर तुमको याद होगा बचपन की बातें, जब मैंने ग्रुप 1 की क्लास ली थी, कोई बताएगा क्यों धक धक होती है सेल करते वक्त? वेरी गुड, प्रॉफिट और लॉस की वजह से धक धक होती है. बाय करते हुए कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं होता है, बट सेल करते वक्त आपको उसको कॉस्ट के साथ कंपेयर कर कर ये भी निकालना पड़ता है कि प्रॉफिट और लॉस है या नहीं है. तो क्या मैं आपको ये बता सकता हूं कि बाय की एंट्री है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, यस और नो, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. इन्वेस्टमेंट कौन सी प्राइस? एक्स इंटरेस्ट. इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट. नहीं, इसका शॉर्टकट बताया था, जल्दी से बता दो मुझे प्लीज. लास्ट ड्यू डेट टू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. जाहिर सी बात है लास्ट ड्यू डेट तक तो उसको इंटरेस्ट मिल गया होगा ना, क्योंकि कंपनी ड्यू डेट को इंटरेस्ट देती है. मतलब आउटस्टैंडिंग कितना रहा होगा? लास्ट ड्यू डेट टू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड टू कैश ऑब्लिक बैंक, कम इंटरेस्ट. से यस, ये बाय की, सेल करते वक्त क्या एंट्री होती होगी? कैश आएगी क्या जाएगी? कैश आएगी क्या जाएगी? सेल करते वक्त आएगी। तो कैन आई नॉट से कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कम इंटरेस्ट, हाय नहीं। टू इन्वेस्टमेंट, कौन सी प्राइस? एक्स इंटरेस्ट, और टू इंटरेस्ट कौन सा? एक्रूड इंटरेस्ट, और टू प्रॉफिट, और अगर लॉस हुआ तो डेबिट में लॉस। क्या गलत बोल रहा मैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एग्रीड। बट प्रॉफिट और लॉस के बारे में हम आगे डील करेंगे, अभी के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की एंट्री समझ में। मेरे को नहीं समझ में क्या एंट्री होती रहे। बाय क्या? जल्दी जल्दी बोलो, ऐसा नहीं करो प्लीज। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। क्या आपको प्राइसिंग पता है? हाँ। और नेक्स्ट सेल की, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट विच प्राइस? कम इंटरेस्ट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट एक्स इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट मतलब एक्रूड इंटरेस्ट, एंड टू टू प्रॉफिट, और लॉस हुआ तो डेबिट में। तुमने मुझे एक वचन दिया, एक प्रॉमिस दिया, क्या कि मेरे रसगुल्ले बच्चों आपका एक्रूड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है लास्ट ड्यू डेट टू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत भारी बेटा। अभी सभी बच्चे के रफ में ये एंट्री लिखेंगे, सभी लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 20,000, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1,000 टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 21,000 की एंट्री कर दी मैंने। ऐसे मला याची पोस्टिंग पाहिजे, पोस्टिंग करते तुम्हाला? आई वॉन्ट पोस्टिंग ऑफ दिस एंट्री, आई वॉन्ट पोस्टिंग ऑफ दिस एंट्री, प्लीज डू इट। पोस्टिंग कर रहे हैं झंडू बाम, काला बाबू उठा के पकड़ के लेके जाएगा। Ready? All right. बताओ क्या पोस्टिंग किया आपने? बशी घ्यायचं आणि गावभर नाचत फिरायचं। बैलेंस शीट को पोस्टिंग बोलते क्या रहना लायक? हाँ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया। अब थोड़ी मुद्दे की बात चले। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड टू कैश ऑब्लिक बैंक कितना? ओहो 20,000। जो बशी घ्यायचं आणि गावभर फिरायचं बाळा। 21,000 लिखा, बशी घ्यायचं गावभर फिरायचं, थांबायचंच नाही। 20,000 और इंटरेस्ट अकाउंट, वेरी गुड। ये इंटरेस्ट अकाउंट बनाओ क्या? डेबिट साइड टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 1,000। आई ला कितने भारी लोग हो रहे तुम। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट नहीं बनाने का, समझा के नहीं? अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो कौन क्या करता है देखता हूं। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना दिया। इधर कॉस्ट, इधर इंटरेस्ट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 1,000 20,000। काहे डरते हो पांडे जी? पोस्टिंग तो कर रहे थे आप, फॉर्मेट रट्टा नहीं मारना है हमें। जो दो अकाउंट थे वो एक बन गए। ये इंटरेस्ट का अकाउंट है और ये कॉस्ट का। अबे नलायक, ये हमेशा एक्स इंटरेस्ट पर होगा। अगर इस पर कभी भी कम इंटरेस्ट का बुरा साया पड़ा तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट गया। समझे नहीं? इधर कौन सा प्राइस आएगा? सिर्फ एक्स इंटरेस्ट। से यस। अब बेटा जी इसके साथ साथ मुझे बताओ, अरे रुको ना, इंटरेस्ट किस पर निकलता है? नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू या कॉस्ट? नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू या कॉस्ट? फेस वैल्यू पर इंटरेस्ट और डिविडेंड निकलता है, कॉस्ट पर कभी नहीं निकलता है, है नहीं? तो बेटा इंटरेस्ट निकालने के लिए सहूलियत हो इसीलिए हम और एक कॉलम भी तो ऐड कर सकते हैं, फेस वैल्यू। ये अकाउंट नहीं है, ये दोनों ही अकाउंट है, से यस। और बेटा जी ये क्या है? कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट है। और ये किसका है? इंटरेस्ट का। टर्न द पेज, आई हैव गिवन यू द फॉर्मेट। Turn the page, I have given you the format. Can you please come down to this format? What does it say? Pro forma. Pro forma में ऐसा कुछ बोला हुआ है, बुक्स ऑफ डैश, राइट, इधर लिख लीजिए, ओपन सेपरेट अकाउंट फॉर ईच इन्वेस्टमेंट। ओपन सेपरेट अकाउंट फॉर ईच इन्वेस्टमेंट, सर लिखिए ओपन सेपरेट अकाउंट फॉर ईच इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? हर एक इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अकाउंट बनेगा। जैसे एग्जांपल, 9% डिबेंचर्स ऑफ एक्स वाई लिमिटेड अलग अकाउंट ओपन होगा, 12% डिबेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड अलग अकाउंट बनेगा। मतलब इन्वेस्टमेंट की खास बात यह है कि इसके अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, फॉर द पीरियड फ्रॉम डैश टू डैश सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट ड्यू डेट। सिक्योरिटी मतलब आपको अगर कुछ सिक्योरिटी मिली होगी तो, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कभी कभी सिक्योरिटी मिलती है ना वो, एंड इंटरेस्ट ड्यू डेट, कब से कब तक आपको कब इंटरेस्ट मिलने वाला है, ड्यू डेट कौन सी है, और फेस वैल्यू कितनी है। अब जरा ध्यान से देखो, डेट जिस दिन का ट्रांजैक्शन होगा उसमें आएगा, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट, अमाउंट। इधर अभी लिखते जाते हैं, ये अमाउंट विल रिप्रेजेंट एक्स इंटरेस्ट, यस और नो? दिस इंटरेस्ट विल रिप्रेजेंट इंटरेस्ट अकाउंट एंड नॉमिनल वैल्यू ओनली टू फैसिलिटेट, ओनली टू फैसिलिटेट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। हाँ या ना? इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए ही सिर्फ वो यूज होगा, वो अकाउंट नहीं है। नॉमिनल वैल्यू इज नॉट एन अकाउंट, अकाउंट सिर्फ दो है, इंटरेस्ट और कौन सा? अमाउंट, से यस। और उसी के साथ साथ नॉमिनल वैल्यू क्रेडिट साइड में भी, इंटरेस्ट और अमाउंट क्रेडिट साइड में, जो मैंने आपको डेबिट में लिख के दिया वही इधर आएगा। इज दैट ओके? सर आपने बाय की एंट्री बताई, बताओ बाय की एंट्री क्या? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। मतलब जब जब बाय करोगे तो इधर आएगा, जब जब बाय करोगे तो इधर आएगा, यस और नो? जब जब सेल करोगे तो इधर आएगा। लेट्स सी, सेल की एंट्री बताओ, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, यस और नो? टू प्रॉफिट लॉस व्हाटएवर। तो क्या आप तक मेरी बात पहुंची कि बाय करना है तो डेबिट साइड में, सेल करना है तो क्रेडिट साइड में? बात क्लियर? अब इसके ऊपर मेरे को अभी और ये डिस्कशन नहीं चाहिए, बाय तो डेबिट, सेल तो क्रेडिट। हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? ऑलराइट फ्रेंड्स, इसके नीचे मैंने इसके कुछ समरी पॉइंट्स लिख कर दिए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। व्हेन इन्वेस्टमेंट इज परचेस्ड इट इज रिटन ऑन द डेबिट साइड, व्हेन द इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड इट इज रिटन ऑन द क्रेडिट साइड। अब बेटा खून में आ जाना चाहिए क्योंकि हमको 1.5 घंटे में पूरा रिवाइज करना है, अब क्लियर चाहिए। मैंने अभी पहले लॉजिक से डिराइव किया बट अभी ये फ्रीज हो जाना चाहिए। Next, profit on sale will be on the debit side and loss on sale will be on the credit side. ये सबसे ज्यादा लेकर डूबने वाला पार्ट है। तुम्हारे को कैश फ्लो स्टेटमेंट इजी जाएगा अगर ये बात क्लियर होगी तो, तुमको सिंगल एंट्री भी इजी जाएगा, तुमको डिबेंचर टॉपिक भी इजी जाएगा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, अगर ये बात समझ में आती है। बच्चा क्या होता है, प्रॉफिट को कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। तो प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट नहीं, प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड में लिखते हैं अकाउंट क्या है। जरा देखो, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट याद है क्या आपको? सुंदर टीचर सिखाती थी। प्लांट एंड मशीनरी 100 रुपए की, सेल हुआ 120 में, तो झंडूबाम प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट में नहीं लिखते, इस मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते P&L अकाउंट 20, तो P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बेटा 20। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में तो डेबिट में ही लिखना पड़ेगा ना, तो कहीं जाके पोस्टिंग क्रेडिट में आएगी। सो प्लांट एंड मशीनरी को अभी नाम क्या दे देता हूं? इन्वेस्टमेंट, से यस। सो ध्यान से सुन लेना पांडे जी, बाय सेल करने के बाद में अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आता है तो वो क्या है? प्रॉफिट। और अगर वो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आता है तो वो क्या है? लॉस। क्या इस पर कोई और डिस्कशन चाहिए हमें? क्लियर है सभी को? सो प्रॉफिट ऑन द सेल विल बी ऑन द डेबिट साइड एंड लॉस ऑन सेल विल बी ऑन द क्रेडिट साइड। गोइंग अहेड, अमाउंट कॉलम विल ऑलवेज हैव परचेस एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एट एक्स इंटरेस्ट प्राइस, क्योंकि वो कौन सा अकाउंट है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट विल ऑलवेज फॉलो विच प्राइस? एक्स इंटरेस्ट प्राइस। आगे बढ़ते हैं। nominal value column is added only for the purpose of calculation of interest. Nominal value किसके लिए? Only for the purpose of calculation of interest. वो account नहीं है. Next, entries in nominal column will be done only when you buy and sell the investment. Means what? अगर तुम buy या sell नहीं करते, अगर तुमको सिर्फ interest मिल रहा है, क्योंकि ड्यू डेट के दिन क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा. नॉमिनल वैल्यू के कॉलम में कोई भी अकाउंटिंग नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि रूल सिंपल है, फेस वैल्यू का ताल्लुकात है व्हेन यू बाय द इन्वेस्टमेंट और यू सेल द इन्वेस्टमेंट. इंटरेस्ट का कोई ताल्लुकात नहीं है. तो ध्यान रखना, नॉमिनल वैल्यू में तभी एंट्री करना व्हेन यू बाय और सेल इन्वेस्टमेंट. व्हेन यू रिसीव इंटरेस्ट यू डोंट मेक द एंट्री इन द नॉमिनल वैल्यू. इज दैट ओके? सो इसके आगे और एक पॉइंट लिख दो, नो एंट्री will be done in nominal column for receipt of interest. No entry is done in nominal column for what? Receipt of interest. Have you understood this part? Going ahead next. इंटरेस्ट कॉलम इज नथिंग बट इंटरेस्ट अकाउंट. अब मेरी बात ध्यान से सुन लो पांडे जी, गलतियां नहीं करनी है तो. इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट इनकम है कि एक्सपेंस है? इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम. तो जाहिर सी बात है पांडे जी, इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट इनकम है, तो उसको डेबिट बैलेंस कभी नहीं हो सकता, उसको हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होएगा. तो इसलिए मैंने आगे क्या लिखा, इट विल ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस. अच्छा, ये इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट, ये कहां पे जाता है? पी एंड एल अकाउंट. और इन्वेस्टमेंट कहां पे जाता है? बैलेंस शीट. से यस. इसीलिए बेटा जी अब इधर ऊपर आ जाइए और इधर लिखिए, इन्वेस्टमेंट को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है ना. सो बेटा ओपनिंग बैलेंस डेबिट रहा तो डेबिट साइड में लिखते. कैश बुक याद करो, ओपनिंग कैश बैलेंस डेबिट साइड में, क्लोजिंग क्रेडिट में लिखते हैं. सो अगर ओपनिंग बैलेंस रहा तो मैं इधर लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इस कॉलम में आएंगे एक्स एक्स. But closing balance will come in this column. Yes or no? ध्यान रहे, इंटरेस्ट के कॉलम में नहीं आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट इज अ नॉमिनल अकाउंट, उसका बैलेंस कहां ट्रांसफर हो जाता है? पी एंड एल अकाउंट. अब पी एंड एल अकाउंट के कौन से साइड में? इनकम है ना, तो कौन से साइड में? क्रेडिट साइड में. सो कैन आई नॉट से टू पी एंड एल अकाउंट, इंटरेस्ट इधर एक्स एक्स करूंगा, क्योंकि इधर एक्स एक्स करूंगा तो पी एंड एल को क्रेडिट होएगा ना. तो मतलब पांडे जी अगर आपका बैलेंस उल्टे साइड में आ गया तो समझ जाना आंसर आपका गलत है, वहीं का वहीं. एग्रीड? तो चलो जल्दी से बता दो कुछ छोटी छोटी चीजें. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कहां पे? डेबिट साइड. और बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्रेडिट साइड. कौन से कॉलम में? अमाउंट या इंटरेस्ट? अमाउंट. और इंटरेस्ट कहां जाएगा? टू पे एंड एल अकाउंट. लवली पीपल, आर यू रेडी? तो मैंने आपको और एक कंसेप्ट समझाने में मैं कामयाब हुआ. अब बेटा जी एक प्रॉब्लम है, बहुत भारी वाली प्रॉब्लम है. तुम कहां तक सीख कर आ गए भाई? मेरे को इन्वेस्टमेंट की एंट्री तक आ गए. अब क्वेश्चन यह आता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, राइट, विच प्राइस? यू सेड एक्स इंटरेस्ट. बट साला लोचा है, एक्स इंटरेस्ट बोले तो क्या? इट मींस कॉस्ट. इट मींस कॉस्ट. अब बेटा कॉस्ट के लिए रूल क्या है? एनीथिंग विच इज इनकर्ड टू एक्वायर द इन्वेस्टमेंट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो व्हेन यू बाय यू एड ऑल द कॉस्ट रिलेटेड टू बाइंग, बट व्हेन यू सेल You subtract all the expenses related to sale. Buy किया तो add करो, sell किया तो less करो. Agreed? तो उसका भी मैंने एक फॉर्मेट बनाया, और वो फॉर्मेट है आपके पेज नंबर 3 पर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हेन यू बाय एंड व्हेन यू सेल. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हेन यू बाय एंड व्हेन यू सेल. सिंपल फॉर्मेट है, परचेज प्राइस इन द ब्रैकेट लिख दो एक्स इंटरेस्ट. अब ये समझ में आया क्या कौन सी प्राइस है? एक्स इंटरेस्ट. कम इंटरेस्ट कभी नहीं लेते. एक्स इंटरेस्ट में एड ब्रोकरेज. अब ब्रोकरेज किस पर कैलकुलेट करते हैं? दिस विल डिपेंड अपॉन प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम. बट एडिशन तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस में होगा. ब्रोकरेज एक्स इंटरेस्ट पर निकाल, कम इंटरेस्ट पर निकाल, फेस वैल्यू पर निकाल, तुझे जो एग्जामिनर बोले उसके हिसाब से कर. बट अगर कम इंटरेस्ट पर ब्रोकरेज निकाला ना पांडे जी, तो कम इंटरेस्ट में ऐड नहीं करते ब्रोकरेज, ऐड तो एक्स इंटरेस्ट में ही होएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट एक्स इंटरेस्ट है, बट ब्रोकरेज किसके रेफरेंस से निकालना है, दैट इज ऑल इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ब्रोकरेज किस अमाउंट पर निकालना है, दिस इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन, बट अकाउंटिंग वाइज आई विल ऑलवेज हैव टू ऐड इट इन द एक्स इंटरेस्ट प्राइस ओनली। सो ब्रोकरेज यू कैन कैलकुलेट ऑन कम इंटरेस्ट इफ एग्जामिनर सेज सो, बट इसका मतलब यह नहीं कि कम इंटरेस्ट में तुम ऐड करने लग जाओगे। से यस फॉर द अकाउंटिंग पर्पस यू आर ऑलवेज गोइंग टू ऐड इट इन एक्स इंटरेस्ट। तो ऐड ब्रोकरेज, ऐड सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ऐड सर्विस टैक्स, आई थिंक नाउ इट विल बी रिप्लेस्ड विथ जीएसटी एंड दैट विल गिव यू कैश आउटफ्लो। एग्रीड? तो मैं अभी आपको एंट्री बताऊंगा क्या होगी इसकी। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ये वाली वैल्यू, राइट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑफ बैंक अकाउंट। अबे एक्स इंटरेस्ट को चेंज कर दिया है मैंने, अभी उसमें कॉस्ट का मतलब डाल दिया है, तो कौन सी वैल्यू कहां पे जाने वाली, समझ में आया क्या? गुड वन, जल्दी से बता पांड्या, इन्वेस्टमेंट कहां से शुरू करेगा ऐड करना पहले? हाँ, वेरी गुड। किस प्राइस से शुरू करेंगे? एक्स इंटरेस्ट। क्या एक भी एक्सेप्शन है उसमें? एक भी नहीं है। सो एक्स इंटरेस्ट प्राइस प्लस इंटरेस्ट, सॉरी, प्लस ब्रोकरेज प्लस एसटीटी प्लस जीएसटी और कोई भी एक्सपेंस होगा तो वो। बेटा क्रेडिट साइड में व्हेन यू सेल सारा कार्यक्रम उल्टा हो जाता है। बाय करते हो यू ऐड इट, बट सेल करते हो वो आपको पैसा मिलता नहीं, वो कट के मिलता है। एग्रीड? तो इधर आपकी एंट्री क्या होती है? कैश ऑब्लिक बैंक टू इन्वेस्टमेंट, हाय नहीं, टू व्हाट? इंटरेस्ट। ये इन्वेस्टमेंट है बेटा, तो इसके लिए कौन सी अमाउंट? ये वाली अमाउंट है, तो क्या लेंगे? सेलिंग प्राइस, बट विच प्राइस बेटा जी? एक्स इंटरेस्ट। सेलिंग प्राइस लेस ब्रोकरेज लेस एसटीटी लेस जीएसटी है, एंड दिस इज कैश आउटफ्लो। नहीं बेटा गलती से प्रिंट हो गया, इसको लिख दो कैश इनफ्लो। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एग्रीड? तो आपको इतना तो बुद्धि में गया ना कि परचेस करते वक्त ऐड होता है, सेल करते वक्त लेस होता है। लवली, यू हैव डन टिल दिस पॉइंट, वेरी ग्रेट। बेटा अब लास्ट का एक कॉन्सेप्ट है, उसके बाद में ये वाले इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी, कौन सी? फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी। आई थिंक आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू इट रसगुल्ले के जैसे, एक जगह पे भी इश्यू नहीं आएगा। आई विल बी एबल टू डू इट। बट एक क्वेश्चन था, यहां तक किसी को कोई अड़चन है तो पूछ लो, नहीं? सो यू आर नाउ एक्सपेक्टेड टू कम डाउन टू दी पेज नंबर 3.5। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एक कॉन्सेप्ट है, लिखा है ना? इधर लिख दो पहले, नॉट रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, नॉट रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, नॉट रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। नाउ आई एम गोइंग टू क्रैक अ पीजे। इट इज नॉट रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, इट इज रिलेटेड टू कैश फ्लो, इट इज रिलेटेड टू सिंगल एंट्री, इट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। मतलब इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है ये, सिर्फ इन्वेस्टमेंट अकाउंट से रिलेटेड नहीं है। किससे किससे रिलेटेड है? कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर सिंगल एंट्री, एग्रीड, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट से तो है। और एक है टॉपिक, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या आपको इन टॉपिक की दहशत है? अगर दहशत है तो मेरी बात मानो, ये कॉन्सेप्ट इज्जत से करना। रेडी हो अभी आप? चलो सुनते हैं। बेटा मुझे एक बात बताओ, तुमने पिछले 3.5 महीने में कितनी क्लासेस अटेंड की? नहीं, मैं सिर्फ अकाउंट्स की बात कर रहा हूं, बाकी का ज्ञानबाजी की बातें नहीं। कितनी क्लासेस अटेंड की तुमने? कितनी क्लासेस मिस की? बहुत सारी। हाँ, बट फिर भी 3.5 महीनों में कितनी क्लासेस की है आपने? रिवीजन बैच है इसलिए मैं पूछ रहा हूं। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। तो ये तो बहुत कलाकार आदमी है, 60% तक मिस की इसने। 60% तक मिस की? ओ हो, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो इन्होंने बोला कि 70%, 60-70% मैंने अटेंड किए, 30% मिस किए। ओ सॉरी सॉरी सर, आई मिसअंडरस्टूड कंप्लीटली। सर आपका क्या? रेड टी शर्ट। 65% एक्यूरेटली, वेरी गुड, कमाल है। अटेंड की या मिस की? 60% अटेंड किए, वेरी गुड। बाकी का क्यों नहीं जाते थे क्लास को? वो आती नहीं थी। हाँ मैडम, आपने कितने अटेंड की? वाओ 80%। और सरकार आपने? हाँ क्या हो? अच्छा अटेंड करते थे बट लेट होता था। अब मेरी बात सुनो, मतलब तुम गए बीते तो नहीं हो यार, तुम्हारे को दिमाग है अच्छा खासा। अब मुझे एक बात बता, तुम हो एक, तुम येड़े हो, मतलब तुमको दिमाग है यार, मतलब तुम सीए कर रहे हो, मतलब है यार लेवल तुम्हारा, है कि नहीं है? लेवल है कि नहीं है? अब तुम्हें पता है क्या तुम अकाउंटिंग नहीं करते। तुम अकाउंटिंग नहीं करते। तुम्हें पता है अकाउंटिंग कौन करता है? बीकॉम कैंडिडेट करता है। हाय रब्बा, रियल लाइफ की क्या झोल होगी यार। जस्ट इमेजिन रियल लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड होगी भाई। बीकॉम का कैंडिडेट अकाउंटिंग कर रहा है, और ये मेरा बेचारा बच्चा 80% क्लासेस अटेंड कर चुका है, जिसको इतने कंसेप्ट ठूस ठूस कर पढ़ाए गए, बट फिर भी बोलता है सर थोड़ा सा ऊपर नीचे चीज। तो बीकॉम वाला तो कैंडिडेट कैसे जाता है तुमको पता ही होगा। अच्छा सच्ची सच्ची बताओ, तुमने बीकॉम कितने दिन अटेंड की? तुम हंस रहे हो, तुमको खुद को आंसर पता है कि बीकॉम सर 10% अटेंड की सर, मैक्सिमम 2% सिर्फ एग्जाम के लिए गए। अच्छा बाकी के मेजोरिटी बच्चे भी ऐसे ही जाते हैं। और जरा सोचो, इन झंडूबाम बच्चों को बोला जाता है कि भाई तू आ, तेरे को अकाउंटेंट बनाता हूं, और वो अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो तुम्हें कुछ झोल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? उसको मैं बैठ के सिखाऊंगा एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, लुक दिस इज एक्रूअल कंसेप्ट, ओके? तुम्हें समझ में आ रहा है? तो जो हालत तुम्हारी है ना, वो हालत उनकी हो जाती है। फिर वो बोलते हैं कि नहीं सर हमको नहीं करना है, मैं तो सर इलेक्ट्रिशियन बन जाऊंगा, बात खत्म, मुझे नहीं दिमाग लगाना। तो उसके लिए मुझे चीजें क्या करनी पड़ती है? सिंपल करनी पड़ती है। तो मैं एक आदमी को बनाता हूं कैशियर, ठीक है? अब ध्यान से सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसलिए इतना ज्ञान बांट रहा हूं। मैं कैशियर को अपॉइंट करता हूं, और कैशियर को बोलता है सुन, पैसा आया तो डेबिट करने का, गया तो क्रेडिट करने का, बराबर है? कैश बुक सीखा था। मैं वापिस पूछ रहा हूं, कैश बुक बनाने के लिए बोल रहा हूं। मैं उसको पूछूंगा पैसा आया तो क्या करेगा? डेबिट। गया तो क्या करेगा? क्रेडिट। भारी आया कि नहीं आया तेरे को अकाउंटिंग? वो बोलता आया आया आया। फिर उसको बोलेंगे पैसा जिससे आया उसका नाम लिख देने का, पैसा जिसको दिया उसका नाम लिख देने का, समझा क्या नहीं? बोलता हाँ समझा समझा समझा। फिर उसको पूछने का, देख सुन एक थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है बट समझ ले, अगर मान ले किसी से पैसा आया और उसको वापिस नहीं देना रहा तो उसका नाम नहीं लिखने का, किसी से पैसा आया उसको वापिस नहीं देने का रहा तो उसका नाम नहीं लिखने का। एग्जाम्पल, उसको मैं बोलता हूं तू चाय पीने को जाता क्या? बोला हाँ। उसको पैसा देता क्या? बोले हाँ। वो तेरे को नाम पूछता क्या तेरा? बोले नहीं, क्योंकि वो पैसा उसका है इसलिए तेरे को नाम नहीं पूछता। वो वापस तेरे को देने वाला है क्या? नहीं। तो बोले समझ में आया सर, कि मतलब अगर अपनी इनकम रही ना तो सीधा सिंपल है सर, ये कैश बुक रहती, अपनी इनकम है ना तो इधर लिखने का टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिला सर वो वापिस नहीं देना रहता, टू इंटरेस्ट, बराबर बोला कि नहीं? मैंने बोला हाँ बराबर बेटा। इधर टू सेल्स, बराबर है कि नहीं सर? क्योंकि सेल्स का पैसा है तो वो भी अपना है, वापिस नहीं देना पड़ता सर, बराबर है कि नहीं? मैंने बोला हाँ। अच्छा बता, अभी मैंने पूछा रेंट का क्या करेगा? तो बोले सर रेंट पेड किया, तो भाई रेंट इधर। हाँ मैंने बोला अभी बता चंपा को लोन दिया तो क्या करेगा? पैसा आएगा कि जाएगा? बोले जाएगा। तो लिखने का बाय चंपा। मैंने बोला चंपा क्यों लिखेगा? अच्छी लगती है तुझे? नहीं नहीं सर, उससे पैसा आने वाला है ना सर वापिस, इसीलिए चंपा का नाम लिखते हैं। मेरा माँ कसम यार, तो एकदम जबरी अकाउंटेंट है। अब ये पुट्टा अकाउंटेंट बन गया, और अब ये जिंदगी भर कैशियर बनकर रहेगा। इसका धंधा इतना ही, जिससे कैश आई डेबिट, जिसको दी क्रेडिट, इसी एक बुक में वो एंट्री मारते रहता है। बताओ मैं इससे ज्यादा इसको सिखा सकता हूं क्या? नहीं। तो अब इसी कंसेप्ट को लेकर मैं आगे बढ़ता हूं। मान लो ये एक साल है, और इस साल में रेंट है पर मंथ 1000 रुपीज। कितना है बेटा जी? अब प्लीज ध्यान दो, 1000 रुपीज। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से कितना हुआ? 12 महीने का 12,000। सर क्या बकचन दे रहे जा रहे हो, राइट? बट बेटा मैंने इस बार जो पेड किया वो पेड किया सिर्फ 11 मंथ का। अब इसकी एंट्री मैं नहीं करता, इसकी एंट्री कौन करता है? वो अकाउंटेंट। उसको क्या सिखाया मैंने? पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, रेंट पेड क्रेडिट, रेंट पेड क्रेडिट। बोल हाँ। तो वो झंपा ने एंट्री की, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 11,000। अरे पुट्टा खुश है, एग्रीड? ये फर्स्ट एंट्री होती है जो कॉमन पब्लिक करता है। फिर मैं जाता हूँ फाइनलाइजेशन करने के लिए, मैं देखता हूँ रेंट 11,000 दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्ट तो बोलता है 1,000 रुपये है, तो फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट की डेट देखता हूँ और मुझे समझ में आ गया कि 11 महीने का रेंट पेमेंट हुआ, 1 महीने का होना बाकी है, इसके लिए मैं एक एंट्री कर देता हूँ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की। इसलिए याद है क्या, ट्रायल बैलेंस के नीचे हमेशा इसी प्रकार की एडजस्टमेंट होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि बेटा जी ऊपर वाला आदमी बुक कीपर है, नीचे वाला आदमी जो कर रहा है एडजस्टमेंट वो एक अकाउंटेंट, मतलब एक सीनियर अकाउंटेंट है, हु नोज द कंसेप्ट ऑफ एक्रूअल एंड ऑल। सो वो क्या कर देता है, इधर 31 मार्च के दिन एक एंट्री करता है, ध्यान से सुनिए, रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, बताओ क्या एंट्री की, रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, कितने की 1,000 बोलो हां, कोई व्यथा? फिर इधर मैं चुपके से 1 अप्रैल का अकाउंट ओपन करता हूं, उसको कुछ नहीं पता था, और ये एंट्री रिवर्स कर देता हूं, आउटस्टैंडिंग रेंट टू रेंट, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये एंट्री चुपचाप मैंने क्या कर दी, रिवर्स, एग्रीड। और फिर अभी अकाउंटेंट का रोल आ जाएगा, पूरे साल भर में वो एंट्री करेगा, पूरे साल भर में वो एंट्री करेगा, और एंट्री क्या करेगा, रेंट पेड की। बेटा मगर अब इधर पेड रेंट 11 महीने का नहीं होगा, 13 महीने का होगा, क्योंकि पिछले साल का 1 महीना और इस साल का 12 महीना, और अज्यूम करते कि मैंने इस साल पूरे 13 महीने का पेमेंट किया, तो ये अकाउंटेंट एकदम सिंपल आदमी, कूल आदमी, रेंट टू कैश 13,000 सेस, और बेटा जी ये आउटस्टैंडिंग रेंट कितना आ गया था, 1,000 रिवर्स हुई थी ना एंट्री। आप जरा ध्यान से देखोगे तो इधर नॉमिनल अकाउंट कितने से डेबिट हो गया, 12,000, एक्रूअल कॉन्सेप्ट इज फॉलोड। और इधर अगर देखोगे तो रेंट क्रेडिट हुआ और डेबिट हुआ, कितने से डेबिट हुआ, 12,000। तो इस तरीके से एक्रूअल कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में फॉलो होता है, जिसमें हमेशा 4 चीजें जो एक्रूअल कॉन्सेप्ट की वजह से आती है वो हमेशा रिवर्स हो जाती है। द फर्स्ट वन इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एंड इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ये चारों ही एंट्री ऑन day 1 ऑफ द नेक्स्ट ईयर गेट्स रिवर्स्ड। क्या ये रूल आपके दिमाग में बैठा गया, क्यों रिवर्स होती है, चारों एंट्री रिवर्स हो जाएगी, हैं समझ में आ गया पक्का? अच्छा मुझे, मैंने एक चीज लिख कर दी थी जब चैप्टर शुरुआत किया था कि अकाउंटिंग फॉलोज व्हाट, एक्रूअल और ड्यू, एक्रूअल और ड्यू, एक्रूअल, वेरी गुड, यू आर सच ए लवली पीपल। तो मेरे रसगुल्ले बच्चे, ये इधर ईयर एंड है और इधर ड्यू डेट थी, है नहीं, और अगली ड्यू डेट वापिस 30 जून को है, ये डीडी है ड्यू डेट, ये डीडी है ड्यू डेट, ये वाईडी है ईयर एंड, सॉरी वाई है ईयर एंड, है नहीं। अब यहां पर आप मुझे बताओ 3 महीने का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है कि नहीं है, आउटस्टैंडिंग है। बेटा आपको नहीं लगता यही एंट्री नेक्स्ट डे रिवर्स होगी? हाँ, तो मैं समझाने में कामयाब हो गया। मैं अब आपको यह बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि आपकी ड्यू डेट इज नॉट इक्वल टू ईयर एंड एंड यू हैव, एंड का मतलब समझते हो क्या, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, एंड यू हैव ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ व्हाट, इन्वेस्टमेंट, तब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आएगा, तब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का क्या आएगा, कॉन्सेप्ट आएगा। समझे क्या सिखाया मैंने, बताओ। इफ योर ड्यू डेट इज नॉट इक्वल टू ईयर एंड एंड यू हैव ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग बैलेंस ही नहीं है तो साला मत करके आना, है नहीं, एंड यू हैव गॉट एन ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन दैट केस यू विल हैव टू मेक एन एंट्री ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। अब मैं तुमको एंट्रीज एक बार बता दूंगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की, बट उसके बाद मैं ट्रिक दे दूंगा और वो ट्रिक आपको फॉलो करनी है। देखो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की एंट्री लास्ट ईयर लास्ट डे, मैं क्या बोलूंगा, सुनना सुनना ऐचो को करूं, इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट से यस, जंपे आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कितना 2,000 ये किसके केस में, व्हेन इंटरेस्ट इज टू बी पेड, हाँ नहीं, अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक है, इंटरेस्ट नहीं लिखता बाबा, तुम नाराज हो जाते, रेंट लिखू क्या, रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, ये पेमेंट करना ना, किया नहीं था मैंने, अगले साल नेक्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर सॉरी फर्स्ट डे क्या एंट्री करते हैं हम? आउटस्टैंडिंग रेंट टू रेंट। कितना भारी बच्चा है ये, 2000। तो बेटा ये किसकी एंट्री की? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की क्या? वैसे ही इंटरेस्ट रिसीवेबल भी तो हो सकता है ना, कि मेरे बुक्स में डिबेंचर्स है इन्वेस्टमेंट, उसकी ड्यू डेट है 30 जून और मैं बैठा हूं 31 मार्च को, तो 3 महीने का इंटरेस्ट मेरा एक्रू हो गया कि नहीं हो गया? ड्यू नहीं हुआ बट एक्रू हो गया, तो एक्रू हुआ इसलिए मिलेगा नहीं। अब मुझे बताओ, क्या आपको नहीं लगता उस केस में लास्ट डे हमने एंट्री की होगी इंटरेस्ट रिसीवेबल टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मेरी इनकम है, और यही मैं रिवर्स करूंगा क्या? इंटरेस्ट टू व्हाट? इंटरेस्ट रिसीवेबल। बोलना झंपिया, हाँ ए झंपिया, लास्ट ईयर क्या एंट्री हुई होगी? इंटरेस्ट टू व्हाट? इंटरेस्ट रिसीवेबल टू इंटरेस्ट, और वही जब रिवर्स होगी तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट रिसीवेबल। आई लव यू ऑल। देख मेरे बच्चे, ये वाला कॉलम बार बार मैं कर रहा हूं, इधर वाला कॉलम कौन सा था? इंटरेस्ट था क्या? ये अमाउंट का था क्या? ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है क्या? गांव वालों मेरे सवालों का जवाब दो। इंटरेस्ट रिसीवेबल की ओपनिंग एंट्री की थी तुमने नेक्स्ट डे, क्या की थी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीवेबल। जिनको भरोसा नहीं देख लो, इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट रिसीवेबल, हाँ नहीं? तो मेरे रसगुल्ले बच्चे, ये इंटरेस्ट अकाउंट ये रहा, पोस्टिंग इधर ऐसे लिखेगा ना टू इंटरेस्ट रिसीवेबल, और वो इधर आ जाएगा, हाँ ना? और क्लोजिंग इंटरेस्ट की एंट्री क्या सिखाई थी मैंने? ये तो ओपनिंग हो गई, मान लो क्लोजिंग रही, तो मैंने एंट्री क्या? इंटरेस्ट रिसीवेबल टू इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट अकाउंट है ना, इधर पोस्टिंग आ जाएगी बाय इंटरेस्ट रिसीवेबल। बोलो हाँ, तो क्या आपको नहीं लगता इधर आ जाएगा, हाँ या ना? दैट्स इट। अब ट्रिक दूं क्या? इंटरेस्ट रिसीवेबल को कौन सा बैलेंस? इंटरेस्ट रिसीवेबल को कौन सा बैलेंस? आवाज नहीं आ रही है। इंटरेस्ट रिसीवेबल को कौन सा बैलेंस? डेबिट। ओपनिंग रहा तो डेबिट में लिखो, क्लोजिंग रहा तो क्रेडिट में लिखो। इंटरेस्ट रिसीवेबल इज एन एसेट सर। अगर ओपनिंग बैलेंस रहा तो डेबिट में लिखो, क्लोजिंग रहा तो क्रेडिट में लिखो। सिंगल एंट्री में याद दिलाऊंगा वापिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी याद दिखाऊंगा, डिबेंचर में भी याद दिलाऊंगा। प्रीपेड एक्सपेंस कौन सा बैलेंस होता है? प्रीपेड एक्सपेंस, मुंह खोलो जल्दी से, डेबिट बैलेंस। ओपनिंग रहा तो डेबिट में, क्लोजिंग रहा तो क्रेडिट में। इतना सिंपल है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस, राइट? ओपनिंग रहा तो क्रेडिट में, क्लोजिंग रहा तो डेबिट में। एग्रीड। एक्रूड इनकम मतलब इंटरेस्ट रिसीवेबल, एक्रूड इनकम कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। ओपनिंग रहा तो डेबिट में, क्लोजिंग रहा तो क्रेडिट में। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। ओपनिंग रहा तो क्रेडिट में, क्लोजिंग रहा तो डेबिट में। बात खत्म। अब आपको ये चैप्टर तंग नहीं कर सकता, स्पेशली द डिबेंचर वाला पार्ट, एक्सेप्ट फॉर फीफो एंड वैक वाला, वो मेरे बायत का के लिए हो जाएगा, और मेरे को समझा नहीं। इन्वेस्टमेंट की सुंदर टीचर ने एंट्री क्या सिखाई? चलो चलो मेरे साथ रिवाइज करो। इन्वेस्टमेंट टू कैश ऑब्लिक बैंक। क्या सुंदर टीचर सही थी? नहीं। उसने क्या एक गड़बड़ कर दी? इंटरेस्ट। तो फिर मैंने आपको एंट्री सुधार कर दी। क्या एंट्री थी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट कौन सी प्राइस? एक्स इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अकाउंट कौन सा? एक्रूड इंटरेस्ट। शॉर्टकट जल्दी से चाहिए। लास्ट ड्यू डेट टू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन टू कैश ऑब्लिक बैंक विच प्राइस? कम इंटरेस्ट। एक झंपिया, एक्स इंटरेस्ट का मैंने डेफिनेशन बताया, बाय करते वक्त परचेज प्राइस, एड ब्रोकरेज, एड एसटीटी, एड जीएसटी एक्सेट्रा, सारे रिलेटेड एक्सपेंसेस क्या कर देते हैं? एड। अच्छा, ब्रोकरेज कम इंटरेस्ट पर निकल सकता है क्या? हाँ, बट एड किस में होएगा? लवली पीपल, लेट्स गो टू द सेल वाला एंट्री। सेल की एंट्री क्या? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये टू प्रॉफिट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कैश ऑब्लिक बैंक विच प्राइस? कम इंटरेस्ट टू इन्वेस्टमेंट, एक्स इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट का शॉर्टकट क्या? लास्ट ड्यू डेट टू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, इफ डीडी इज नॉट इक्वल टू ईयर एंड। इफ डीडी, ए डीडी क्या है? Due date is not equal to year end and there is opening balance. Do you have the concept of interest receivable? हाँ नहीं ए जंपिया इंटरेस्ट रिसीवेबल को कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस. ओपनिंग रहा तो डेबिट साइड, क्लोजिंग रहा तो क्रेडिट साइड. लवली. जल्दी से देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना क्या? बन गया. अच्छा इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में कितने कॉलम? तीन. पर्टिकुलर से एक तो छोड़ दो, डेट एक छोड़ दो, फिर नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू, फिर इंटरेस्ट, फिर कॉस्ट या अमाउंट. बेटा जो इंटरेस्ट है वो किसका अकाउंट है? इंटरेस्ट अकाउंट. इसको कौन सा बैलेंस होगा? इसको कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस. हाँ या ना? ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस. और बेटा जी जो कॉस्ट है ये इन्वेस्टमेंट है. बाय किया तो कहां पे लिखोगे? डेबिट साइड में. सेल किया तो कहां पे लिखोगे? क्रेडिट साइड में. एग्रीड. अच्छा नॉमिनल वैल्यू में एंट्री कब होगी? ओनली व्हेन यू बाय एंड सेल. क्या इंटरेस्ट की एंट्री आएगी क्या? नहीं. अच्छा मुझे एक बात बता दो, इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट. तो ये कहां पे ट्रांसफर होता है? पे एंड एल अकाउंट. अच्छा जल्दी से बताओ ये जो कॉस्ट है ये कहां जाती है? बैलेंस शीट. से यस, असेट साइड. लवली पीपल, यू हैव डन टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम. वेरी ग्रेट जॉब. द एंट्रीज आर हियर. वेयर आर दोज एंट्रीज? अब वो आप घर पर पढ़ लेना. पेज नंबर 3.3 पर एंट्रीज है. पेज नंबर 3.3 पर एंट्रीज है. वैसे मैंने पढ़ा दिया है, वो एंट्रीज भी है और ऊपर उसका कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट के बारे में बताया गया है. हाँ या नहीं? फिर बेटा प्रोफोर्मा इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमने नेक्स्ट पेज पे पढ़ा. फिर जो कंसेप्ट है एक्रूड इनकम वगैरह, ये सारी चीजें अभी हमने पढ़ी. हाँ या ना? और अब हम चलेंगे एक क्वेश्चन के पास. और जो मैंने आपको ये भी बताया था, पेज नंबर आप अगर इधर आ जाए 3.6 पर मैंने बोल्ड में लिखा है. 3.6 पर बोल्ड में, ब्लैक में, व्हाइट में सब कुछ किया है उसमें. व्हेन ड्यू डेट इज नॉट इक्वल टू ईयर एंड एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज देयर, मेक एंट्री ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट रिवर्सल. और मैंने इसकी बहुत इजी ट्रिक दी है. इंटरेस्ट रिसीवेबल को कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस. तो ओपनिंग रहा तो डेबिट में, क्लोजिंग रहा तो क्रेडिट में. बात ही खत्म हो गई पांडे जी, है कि नहीं है? सो कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर व्हाट 1. दिस इज प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन है. कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 1. फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. देखो बेटा क्वेश्चन एक भी ऐसा नहीं है कि सबस्टैंडर्ड क्वेश्चन है. सारे क्वेश्चन पीएम के हैं. सो रेस्ट भी एश्योर्ड कि अगर आप ये क्वेश्चन कर पाते हो तो आपको ये चैप्टर आराम से आ जाएगा. एग्रीड? शैल वी गो अहेड? लेट्स रीड द क्वेश्चन. इन 2011 मेसर्स वाई लिमिटेड इश्यूड 12% fully paid debenture of 100 each, interest being payable half yearly on 30th September and 31st March of every accounting year. बेटा वो issued को लिख दो time pass. ट्रिंग ट्रिंग. तुम बोलोगे क्यों सर? अबे झंडू बाम, हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हैं. वो issued बोल रहा है, वो liability के बारे में बता रहा है और तुम अगर उसको ज्ञान बांट के आए तो फिर लफड़ा हो जाएगा. issued time pass है. हम क्यों करें इसकी एंट्री? हमें इस लाइन से क्या मिला? सिर्फ ड्यू डेट मिली कि भाई ड्यू डेट कितनी है? 30 सितंबर और 31 मार्च. 1 दिसंबर की बात है. मेसर्स बुल एंड बियर परचेज 10,000 ऑफ दिस डिबेंचर्स एट 101 कम इंटरेस्ट प्राइस. अब तुम मुझे पूछोगे सर आपको कैसे पता 101 कम इंटरेस्ट? वो एग्जामिनर बोलेगा इट इज कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप. सो 101 कम इंटरेस्ट प्राइस ऑल्सो पेइंग ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 1% ऑफ कम इंटरेस्ट. हाय रब्बा, ब्रोकरेज किसका निकाल रहे? कम इंटरेस्ट. अबे झंपिया पर ऐड किसमें करेगा? एक्स इंटरेस्ट. हिमाकत मत कर दियो कोई दूसरी. हाँ. अमाउंट ऑफ परचेस ऑन 1 मार्च 2013 फर्म सोल्ड ऑल दिस डिबेंचर्स at 106 कम इंटरेस्ट, अगेन पेइंग ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 1% ऑफ कम इंटरेस्ट अमाउंट. तो ब्रोकरेज किस पर निकलेगा? कम इंटरेस्ट अमाउंट. बट लेस किस में से होएगा? एक्स इंटरेस्ट. क्योंकि सेल पर है ना ये, तो लेस करना पड़ेगा. उन्होंने बोले धीरे से तुम प्रिपेयर करो ना इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मेसर्स बुल एंड बियर फॉर द पीरियड 1 दिसंबर 2012 टू 1 मार्च 2013. तो तुम आते क्या मेरे साथ? लिखते क्या मेरे साथ? चला बर गेले. लेट्स राइट डाउन इन द बुक्स ऑफ. नहीं बताओगे? Messrs. Bull and Bear. Wow. Underline. क्या नामा लिखते रहे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट for the period from 1st December 2012 to 31st March 2013. और बेटा हमने इन्वेस्टमेंट कौन से एक्वायर किए? 12% डिबेंचर्स है क्या? 12% डिबेंचर्स इन वाई लिमिटेड. कुठला? हो मी पण तेच म्हणतोय, वाई लिमिटेड. ड्यू डेट क्या है रे पांड्या? ड्यू डेट 30 सितंबर और 31 मार्च है. कुछ हुआ क्या हुआ बताओ? क्या कुछ हुआ? क्या हुआ कुछ? ड्यू डेट इज इक्वल टू ईयर एंड. लिख लो, मैं बोल रहा हूं, नो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या नो इंटरेस्ट रिसीवेबल. क्लियर है ना? ड्यू डेट इज इक्वल टू ईयर एंड, सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग और इंटरेस्ट रिसीवेबल. तो ये मैं अलग कलर के पेन से लिख के रख देता हूं तुम्हारे लिए, शॉर्टकट ध्यान में रखने के लिए. ड्यू डेट इज इक्वल टू ईयर एंड, नो इंटरेस्ट रिसीवेबल concept involved. हो ये कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है. अब क्या करना है बेटा जी? हम एक ड्रा कर दे. मुझे कॉलम याद नहीं आ रहे. 4 कॉलम. एग्रीड. अब मेरी एक बात सुनो, कई सारे बच्चे एग्जाम में गड़बड़ करते हैं, इसको हॉरिजॉन्टली सॉल्व करके आते हैं. डोंट डू दैट. सॉल्व इट वर्टिकली ओनली. इसको आड़ा सॉल्व नहीं करना है. तुम्हारी हैंड राइटिंग को मैनेज करो, बट इसको आड़ा सॉल्व कर कर मत आओ, क्योंकि एग्जामिनर को तकलीफ होगी. ऐसा कोई भी काम मत करो. तो क्या बेटा 3 कॉलम आएंगे क्या? चला, डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट अमाउंट. डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट आणि काय रे बाळा? अमाउंट. एग्रीड. किया? नाउ नेक्स्ट ये कर लो बेटा. एक 3-4 लाइन के लिए करना है. नाउ एक वर्किंग नोट करेंगे, और ये वर्किंग नोट हम इस टॉपिक में करेंगे, डिबेंचर्स में भी करेंगे. वेरी कॉमनली यूज्ड वर्किंग नोट हम बनाएंगे अभी एक. और लिखिए वर्किंग नोट की हेडिंग, कंपटीशन ऑफ इंटरेस्ट. कंपटीशन ऑफ इंटरेस्ट. सो कंपटीशन ऑफ इंटरेस्ट में मैं लिखूंगा डेट, नॉमिनल वैल्यू, राइट, पीरियड फ्रॉम टू, नंबर ऑफ मंथ्स. एग्रीड. और फिर एक्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट. इज दैट ओके? एक्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट. एग्रीड. अब इसमें ब्रोकरेज के एडजस्टमेंट में इधर नहीं कर रहा हूं. ब्रोकरेज के एडजस्टमेंट में अभी इधर नहीं कर रहा हूं, हम बाद में कर लेंगे. ब्रोकरेज की इसके नीचे एक और चीज हम लिख लेंगे. से यस. अगर आप रेडी हो तो शैल आई गो हेड. अच्छा, अब मेरी इस वर्किंग नोट को समझ लो. डेट ऑफ ट्रांजैक्शन आएगा, नॉमिनल वैल्यू. अच्छा, इस वर्किंग नोट में आप तभी आओगे व्हेन यू बाय एंड सेल, व्हेन यू बाय और सेल, तभी इधर आना, नहीं तो आना ही नहीं है. एग्रीड. अब देखो, क्या आपके पास ओपनिंग बैलेंस है? क्या आपके पास ओपनिंग बैलेंस है? क्या नहीं है? तो तुमने कौन सी तारीख को बाय किया? 1 दिसंबर 2012. कितनी नॉमिनल वैल्यू बाय किया बेटा? परचेस 10,000, 10,000 इज नंबर, एक की नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 100, 10,000 इंटू 100, कैन आई हैव द फिगर? हाउ मच यू से? 10 lakhs, पीरियड फ्रॉम टू, बेटा एक्रूड इंटरेस्ट निकालने का मैंने शॉर्टकट क्या बताया? लास्ट ड्यू डेट टू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, 1/12 के पहले लास्ट ड्यू डेट कौन सी थी? 30 सितंबर। सो कैन आई नॉट से फ्रॉम टू 1 अक्टूबर 2012 से लेकर 1/12/2012, ड्यू डेट 30 सितंबर है क्या? सो मैंने क्या सिखाया? लास्ट ड्यू डेट, मतलब इस ट्रांजैक्शन के पहले की लास्ट ड्यू डेट कौन सी थी? 30 सितंबर। सो लास्ट ड्यू डेट टू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, सो लास्ट ड्यू डेट के आगे कौन सा दिन था? 1 अक्टूबर से लेकर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन कौन सी है? 1 दिसंबर। सो डोंट यू थिंक सो? कितने महीने हो गए? अक्टूबर, नवंबर, 2 महीने। ए झंडू बाम, 3 महीने नहीं होते हैं, 2 होते हैं। सो कितने? 2 महीने। अब बेटा लो कैलकुलेटर पर, 10 लाख इंटू 12% इंटू कितना? 2/12, 20,000। ये समझ में आया क्या? 10 lakhs इंटू 12% इंटू वॉट? 2/12, कितना आ गया? 20,000। गांव वालों, कौन सी प्राइस आपको दी हुई है? कम इंटरेस्ट प्राइस। सो टेक ऑन ए कैलकुलेटर, 10,000 इंटू 101, 10 लाख। डू यू ऑल एग्री? 10 लाख 10,000, बेटा एक्स इंटरेस्ट प्राइस कितनी आएगी? 9 लाख 90,000। जो इस प्राइस को डायरेक्टली ले जाएगा उसको मिल जाएगी बशी, क्योंकि दिस इज एक्सक्लूडिंग ब्रोकरेज। मगर ब्रोकरेज मुझे किस पर कैलकुलेट करनी है? कम इंटरेस्ट पर। सो कैन आई नॉट से कॉस्ट फॉर एक्विजिशन एज ऑन 1/12/2012, तो ये देखो एक्स इंटरेस्ट ऊपर से आया, बोल भाई झंपे कितना है? 9 लाख 90,000। एड ब्रोकरेज, बेटा ब्रोकरेज किस पर निकालना है? कम इंटरेस्ट पर। कितना परसेंट है बेटा? 1% ऑफ 10 लाख 10,000, कितना आ रहा है ब्रोकरेज? 10,100। इज दैट व्हाट यू से? सो क्या आप नहीं कह सकते ये बन जाएगा 10 लाख 100? यस और नो? दिस इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या बेटा क्लियर हुआ ये? मतलब ब्रोकरेज कम इंटरेस्ट पर निकल सकती है, बट वो एड एक्स इंटरेस्ट प्राइस पर ही होएगी। एक खरबूजे, मैंने क्या सिखा रहे? बाय करते तब किधर लिखते रहे? डेबिट साइड। हम अभी वही बोल रहे हैं, चलो डेबिट साइड में लिख देते हैं। क्या लिखू रे पांड्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 1/12/2012 टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, बेटा नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 10 lakhs। इंटरेस्ट कितना है बेटा जी? 20,000। और अमाउंट 10 लाख 100। डू यू ऑल एग्री? वेरी गुड सर, एग्री। बेटा नेक्स्ट डेट क्या है? नेक्स्ट डेट क्या है? 31 मार्च को इंटरेस्ट, और बेटा और कौन सी तारीख है? 1 मार्च को सेल किया, तो क्या हम इंटरेस्ट की एंट्री कर पाएंगे क्या? 31 मार्च वाली नहीं, हम 1 मार्च को इसको क्या करेंगे? सेल। बेटा जैसे हम बाय किए थे तो इंटरेस्ट दिया था, तो सेल करेंगे तो भी इंटरेस्ट लेंगे कि नहीं लेंगे सामने वाले आदमी से? यस और नो? सो लवली पीपल, इफ यू आर रेडी, लेट्स गो ऑन। आ जाइए वापस। मैंने आपको बताया ना, जब जब आप बाय या सेल करते हो तो इस वर्किंग नोट में आना पड़ेगा। कौन सी तारीख है? 1 मार्च 2012। कितना? पूरा 10 लाख बेचा है ना? पूरी क्लास का ध्यान इधर। एवरीवन बी अजाइल एंड अलर्ट। अभी कोई लिखेगा नहीं, कोई लिखेगा नहीं। मैंने क्या शॉर्टकट सिखाया इसका? जब भी आपको एक्रूड इंटरेस्ट निकालना, क्या शॉर्टकट सिखाया? लास्ट ड्यू डेट टू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन कौन सी है? 1 मार्च। आगे की ड्यू डेट 31 मार्च, मतलब पीछे वाली ड्यू डेट कौन सी? 30 सितंबर। पांड्या बरोबर है कि नहीं है? सो क्या मैं नहीं कह सकता 1/10/2012 से लेकर 1 मार्च 2012, मतलब 5 महीने हो जाते? हाँ या ना? टेक ऑन ए कैलकुलेटर। 10,000 × 106, 10,000 × 106, 10,60,000। कम इंटरेस्ट है क्या? अच्छा, इंटरेस्ट कितना आ रहा है? टेक ऑन ए कैलकुलेटर। 10 लाख × 12% × 5/12, 50,000। तो बेटा जी आपका एक्स इंटरेस्ट प्राइस कितना? 10 लाख 10,000। टेक अ पॉज, टेक अ पॉज, एवरीवन प्लीज बी अजाइल एंड अलर्ट। ये हमने सेल किया है, तो बेटा देखो सेल वैल्यू एक्स इंटरेस्ट कौन सी तारीख को? एज ऑन 1 मार्च 2012। सो आई विल से एक्स इंटरेस्ट प्राइस दिया हुआ है ना बेटा, 10 लाख 10,000, एग्रीड। फिर बेटा जी मैं क्या कर दूंगा? माइनस ब्रोकरेज। बेटा ब्रोकरेज किस पर निकालते बाबा? 10,60,000 इंटू हाउ मच परसेंटेज? 1%। बोल बेटा कितना आएगा? 10,600। ये माइनस होगा ना, तो बेटा आपका क्या आएगा? सेल वैल्यू बोलो, 9,99,400। सर सुनो ना, टेक अ पॉज ना, ऐसा ना को ना करो, लिखने के लिए दे दूंगा भाई झंडू बाम। तूने बाय कब किया था? 1/12 को। सेल कब कर दिया? 1 मार्च को। सो 12 दैट इज डिसम्बर, जैन, फेब, 3 ही महीने तो तेरे पास था ना। सो कैलकुलेटर पर लो, 10 लाख फेस वैल्यू थे, इंटू 12% इंटू 3/12। तुम्हें इंटरेस्ट कितने महीने का मिलना चाहिए? 3 महीने का ही मिलना चाहिए। और अभी आप तुम अकाउंटिंग देखना, जब मैं क्रेडिट साइड में इन्वेस्टमेंट की एंट्री करूंगा तो मैं एक्स इंटरेस्ट कॉलम में लिखूंगा 9,99,400 और 50,000 लिखूंगा इंटरेस्ट वाले कॉलम में, और डेबिट वाले कॉलम में आप ऑलरेडी लिख चुके हो 20,000। सो 50 - 20 बराबर से हमारे एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से 30,000 गया कि नहीं गया पी एंड एल अकाउंट में? यस, सो दैट इज द लॉजिक। क्लियर? चलो लिख कर ले लो, write it down. हो गया क्या? नहीं हुआ, थोड़ा ऊपर लूं, क्यों? अब दिख रहा है? देख रहे? Done? Shall I do this? If you're ready, can I do the accounting? Posting करा दूँ? So come down to the investment account बेटा। अभी क्या buy हुआ है कि sale हुआ है? Sale। कौन सी तारीख को बेटा? 1 मार्च 2012 buy cash oblique bank account। पूरा sale हो गया तो पूरा 10 लाख जाएगा। अगर आपको याद होगा मैंने बताया था buy और sale के वक्त nominal value में entry आएगी। Interest कितना है बेटा जी? 50,000 और अमाउंट नीचे देखकर बताओ, 9,99,400। हाँ या ना? अब बेटा जी आप मुझे बताओ इंटरेस्ट को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। और आप देख लो क्रेडिट साइड बड़ी है कि नहीं है? सो मैं इसको बोल दूंगा 31 मार्च 2012 टू पी एंड एल अकाउंट। कहां पे जाएगा? हाँ 13 बेटा, ये इधर भी 13, ठीक है। 30,000 गया क्या? टेक अ पॉज। बेटा जी तुमने बाय किया था 10,00,000 100 रुपए में, बट उसको सेल कर दिया 9,99,400, तो आपका नुकसान हो गया कितने रुपए का? 700 रुपए का, 700, क्योंकि ये कॉस्ट थी, तूने इतने में बेचा, तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? सो बेटा जी इसका आएगा यहां पर 31 मार्च 2013 बाय पी एंड एल अकाउंट। कैन आई नॉट हैव 10,01,000 माइनस 9,99,400 कितना आ रहा है? 700। दिस इज लॉस ऑन सेल and that is the gain which you have got, and it tallies. If you are happy, let me know. All right? तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे ध्यान से, तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया, इसमें फीफो वैक वगैरह कुछ नहीं पढ़ाया, सिर्फ कॉन्सेप्ट कि कॉस्ट कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, राइट? और ये पीएम का प्रॉब्लम है आपका, क्वेश्चन नंबर 1. अगर आप रेडी हो तो कैन आई टेक यू टू द नेक्स्ट स्टेप? Now you are all invited to come down to the next question. Please come down to the next question. What does it say? The following information is presented by Mr. Z relating to his holding in 9% central government bonds. Underline the word 9%. So it is a fixed income bearing security. Opening balance face value 1,20,000. Cost 1,18,000. Face value of each unit is 100. So face value भी दिया और इसको कितने में खरीदा वो भी दिया हुआ, और ये opening balance है। और 1 मार्च 2008 को, ये actually इधर होना चाहिए था, 1 मार्च 2008 को, सॉरी क्या हो गया, 1 मार्च 2008 को परचेस्ड 200 यूनिट एक्स इंटरेस्ट एट ₹98, सोल्ड 500 यूनिट एक्स इंटरेस्ट आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग एट ₹100, 110 2008 परचेस्ड 150 यूनिट एट ₹98 कम इंटरेस्ट, एंड 111 2008 सोल्ड 300 यूनिट एक्स इंटरेस्ट एट ₹99 out of original holdings. Interest dates are 30th September and 31st March. Mr. Z closes his books every 31st December. Highlight, every 31st December. कुछ कुछ हुआ क्या? Yes sir. क्या हुआ? Year end is not equal to. Due date is not equal to year end. क्या opening balance है क्या? क्या outstanding interest आएगा क्या? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का फॉर्मूला एकदम सिंपल, या इंटरेस्ट रिसीवेबल का फॉर्मूला एकदम सिंपल, लास्ट ड्यू डेट टू ईयर एंड, जो ईयर एंड के पहले लास्ट ड्यू डेट थी वही वाला पीरियड, उस ड्यू डेट से लेकर ईयर एंड तक का ही तो इंटरेस्ट रिसीवेबल होगा ना, सो वो वाली एंट्री आपको करनी पड़ेगी। और आगे क्या, शो इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन हिज बुक्स, मिस्टर जेड फॉलोज फीफो मेथड, इसको ऑब्लिक करिए वैक मेथड भी, हम दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, फीफो और वैक। क्या है फीफो और वैक दोनों से कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है, कर पाएंगे ना? ऑलराइट, कैन वी गो हेड नाउ? तो रसगुल्ले बच्चे, पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लेंगे, सो लिख दीजिए इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जेड, मिस्टर जेड क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिखने के बाद में 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स, एक दो तीन, एक 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 दो तीन, डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट अमाउंट, इट विल बी डेबिट एंड इट विल बी क्रेडिट. सो क्रिएट इट फॉर अराउंड 10 to 12 लाइन्स, 10 से 12 लाइन का बना दीजिए, अच्छा खुला खुला लिखना, और उसके नीचे हम वर्किंग नोट का फॉर्मेट भी बनाएंगे. क्या आप यहां तक पहुंच गए? शैल आई टेक यू टू द नेक्स्ट स्टेप? Alright, so what do I do now next? I'll do working note. बेटा working note का फॉर्मेट बताओ. Very good. Date, nominal value, period, heading और उसके अंदर क्या करेंगे? From to. बेटा एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि डेज में आ जाए, हाँ या नहीं? अभी मैं नंबर ऑफ मंथ्स लेता हूँ, बट एग्जाम में शायद डेज में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या नहीं? फिर एक्स इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट और फिर कम इंटरेस्ट. वेरी गुड. इसके अलावा आपको जितनी वर्किंग नोट करनी है सब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है. ये 4 से 5 लाइन का छोड़ना है आपको. जैसे मैं बार बार आपको बता रहा था कि देखो इस रिवीजन बैच में मैं आपके सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर सकता, बट मैंने आपके मॉड्यूल और प्रैक्टिस मैनुअल के सारे क्वेश्चंस एक ही फॉर्मेट में सॉल्व कर दिए है और वो बुक ऑलरेडी रेडी है. मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको टॉपिक खत्म करना है तो यू हैव दैट बुक विथ यू, और उस बुक में सारे क्वेश्चंस अगर आप देख रहे हो तो इस फॉर्मेट में सॉल्व किए हुए हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इन अ सिंगल फॉर्मेट ऑल द क्वेश्चंस आर बीइंग अवेलेबल, सो दैट आपके सारे कहाँ से प्रिपेयर करना है आपको क्लियर हो जाएगा. अब ये मॉड्यूल पीएम के, अभी तो तुम न्यू सिलेबस के हो, बट ये टॉपिक आपके पुराने सिलेबस में भी था. तो पुराने सिलेबस में 2 बुक्स आया करती थी, एक मॉड्यूल आया करता था और एक प्रैक्टिस मैनुअल आया करता था. तो इन सभी क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कर दिया और वही आपके लिए मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ. और अगर आप आपकी मॉड्यूल भी देखेंगे तो उसमें भी उन्होंने यही किया है, मॉड्यूल और पीएम के क्वेश्चंस को मर्ज कर कर दिया हुआ है. इज दैट ओके? कैन वी गो अहेड? ऑलराइट, सो कैन वी नॉट कम ऑन दिस पेज? दिस. अब मुझे बताओ फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस है क्या? बेटा इन्वेस्टमेंट को कौन सा बैलेंस होता है? नहीं, मेरे को आवाज चाहिए यार, मेरे को मजा नहीं आता. डेबिट बैलेंस. ओपनिंग रहा तो डेबिट साइड में, क्लोजिंग रहा तो क्रेडिट साइड में. डे 1 बताओ, 1/1 डेट क्या है? 1/1/2008 मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. बेटा कितने उनके पास है? फेस वैल्यू 1,20,000 है क्या? और बेटा जी अमाउंट कितनी है? 1,18,000. क्या आप मेरी बातों से सहमत हो? वेरी गुड रसगुल्ले. चला जाए इधर. अभी इसके बाद में अभी एक्रूड इंटरेस्ट निकालेंगे क्या? एक्रूड इंटरेस्ट, ये यहां पर वर्किंग नोट 1 कर रहा हूं मैं. 1 मतलब ये एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग इन्वेस्टमेंट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग इन्वेस्टमेंट. ठीक है गुड़िया? अब मुझे बताओ एक्रूड इंटरेस्ट कितना होगा? वहां पर ईयर एंड हुआ होगा पिछले साल, और लास्ट ड्यू डेट टू ईयर एंड तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, हाँ या ना? तो लास्ट ड्यू डेट क्या थी? बिल्कुल सही. तो क्या 9 नॉट से एक्रूड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 30 सितंबर, मतलब सॉरी ये इधर ऐसे लिख देते हैं, इंटरेस्ट फ्रॉम 30 सितंबर 2007 से लेकर 31 दिसंबर 2007, ये लास्ट ड्यू डेट थी, से लेकर ईयर एंड. अब बेटा कितने फेस वैल्यू के थे? 1,20,000. बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9% इंटू कितना? 3/12. बोल बेटा कितना आ रहा है? 2,700. डू यू थिंक सो इट इज एन इंटरेस्ट? एग्रीड? ए झंडू बाम. इंटरेस्ट रिसीवेबल को कौन सा बैलेंस होता है? इंटरेस्ट रिसीवेबल को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट. ओपनिंग रहा तो कहां लिखेंगे? डेबिट साइड में. क्लोजिंग रहा तो क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड में. सो देखो बेटा मैं क्या लिखूंगा, 1/1/2008 टू एक्रूड इंटरेस्ट. मैं इसको ड्यू नहीं बोल सकता, मैं सिर्फ इसको क्या बोलूंगा? एक्रूड इंटरेस्ट. ड्यू थोड़ी ना बोलूंगा. तो एक्रूड इंटरेस्ट बताओ बेटा कितना है? यू आर अगेन राइट, 2,700. एब्सोल्युटली राइट. एग्रीड? तो पहली ये तो हो गई. फिर बेटा सीक्वेंस में नेक्स्ट डेट क्या है? 1 मार्च को क्या किया बेटा जी? बाय किया है क्या? ओके. तो अभी बाय करते ही तो मेरे को याद आने लगती है 1 मार्च की. इधर 1 मार्च 2008, हाँ है ना? कितना बाय किया बेटा? 200. सो 200 into 100, 20,000. गांव वालों पीरियड का शॉर्टकट बताओ, अगर कुछ भी उल्टा सुल्टा बोला ना तो याद रख लेना। लास्ट ड्यू डेट टू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ईयर एंड का इधर कोई लेना देना नहीं है बेटा। 1 मार्च के पहले कौन सी ड्यू डेट थी? देखो आगे वाली ड्यू डेट कौन सी है, 31 मार्च, मगर पीछे वाली ड्यू डेट कौन सी थी, 30 सितंबर। मैंने रूल क्या सिखाया, लास्ट ड्यू डेट टू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। सो आई विल राइट डाउन 1 अक्टूबर 2007 से लेकर 1 मार्च 2008। अब मेरा बच्चा बोलता है सर सर सुनो तो सर मगर अपना तो ईयर एंड हो गया। अबे झंडू मेरी बात सुन, ईयर एंड अकाउंटिंग के रिलेशन में है, बट व्यवहार कैसा होगा सामने वाले आदमी को तो हम यही बोलेंगे ना भाई। सामने वाला आदमी हमको यही बोलेगा ना, हम बाय कर रहे हैं कि मुझे इंटरेस्ट लास्ट ड्यू डेट को मिला था, अब 1 मार्च तक का इंटरेस्ट आप देंगे पिछली ड्यू डेट से लेकर अभी तक। एग्रीड? कितने मंथ हुए पांडे जी? 5। अच्छा प्राइस कौन सी दे रखी है, एक्स इंटरेस्ट। लो कैलकुलेटर पर 200 × 98, अच्छा 19,600। क्या ये आया क्या बराबर? एक्स में लिखा। अब बेटा इंटरेस्ट कैलकुलेट कर, 750, 20,350, 20,350, क्या आप मेरी बातों से सहमत है? एक और छलांग लगाए तो क्या करेंगे भैया? क्या लिख दूं इधर? बाय क्या है ना, 1 मार्च 2008 टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। वेरी गुड बेटा, 20,750 और 19,600। वेरी गुड बेटा, उसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सी तारीख को आ रही है? 1 जुलाई को बोल रहे बेटा, 1 जुलाई को हम नहीं ले सकते। 1 जुलाई के पहले क्या था? 31 मार्च इंटरेस्ट मिलना है बेटा। 31 मार्च के दिन हमारे पास कितने नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स है? 1,40,000। तो ध्यान से सुनना, अगर आप एग्जाम में एकदम इजीली समझ पाए तो इसीलिए इस डेट के नीचे आप लिखेंगे इधर 31 मार्च 2008, ऊपर से ना लिखे, गो डेट वाइज, ताकि आपको पता रहेगा कि सर ने कैलकुलेशन कैसे लिया। ये 120 और ये 20 बाय कैश ऑब्लिक बैंक, क्योंकि बेटा इंटरेस्ट मिलने की एंट्री बताओ, इंटरेस्ट रिसीट। सुंदर टीचर क्या सिखाती थी? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? इंटरेस्ट। बेटा मैंने आपको बताया कि जब भी इंटरेस्ट की एंट्री करोगे नॉमिनल वैल्यू और कॉस्ट कॉलम को छूना भी नहीं। तो अब ये इंटरेस्ट मिल रहा है इन द ब्रैकेट 1,40,000 इंटू 9% इंटू 6/12, 6,300। क्या ये इंटरेस्ट कॉलम में सही जा रहा है बेटा? लिख दो 6,300। ये 31 मार्च की बात है। पांडे जी अगली डेट देखिए क्या है, 1 जुलाई को सेल कर दिया है। तो बेटा 1 जुलाई को सेल किया तो हम क्या करेंगे? 1 जुलाई 2008। एग्रीड? कब से कब तक? 31 कितना फेस वैल्यू बेटा? 50,000 बोल रहे हो? 50,000 कब से कब तक? 1 अप्रैल 2008 से लेकर 1 जुलाई 2008, 3 महीने हो जाते हैं, अप्रैल मई और जून। कैलकुलेट कर बेटा इंटरेस्ट, 1,125। ओके बेटा आपको प्राइस कौन सी दी है? एक्स इंटरेस्ट। सो 500 × 100, 50,000। मैंने वो खुद बोल रहे हैं, सोल्ड 500 यूनिट एक्स इंटरेस्ट आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग एट 100। ये झंपिया कितना आएगा? ये कम, 51,125। डू यू ऑल अप्रिशिएट? अच्छा सेल के एंट्री कैसे कही मैंने आपको? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, फिर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट, राइट, टू प्रॉफिट और लॉस। अब जरा ध्यान से सुन मेरे भाई, ध्यान से सुन, अब कोई लिखेगा नहीं, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। कौन सी तारीख है बेटा? 1/7/2008 बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ये सेल हुआ है ना? तो सेल कितना हो गया? 50,000 फेस वैल्यू गया, इंटरेस्ट कितना मिला? 1,125। और बेटा एक्स इंटरेस्ट प्राइस कितनी है? 50,000। 51 बोलने वाले काला बाबा इतनी दूर पकड़ के लेके जाएगा ना, वापस आ नहीं पाएगा, होपलेस चैप। कौन सी प्राइस बोली थी? एक्स इंटरेस्ट गधेड़ा। 1 मिनट साइलेंस फॉर दोज किड्स जिनको ये लग रहा है यही 50,000 इधर आया है। 1 मिनट साइलेंस फॉर देम। ऐसा नहीं है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस और नॉमिनल वैल्यू दोनों सेम है, चेक कर लो। अब वो सेम है तो मैं क्या करूँ अभी उसमें, एग्जामिनर फंसाना चाहता तो तुम फंस गए, ये दोनों सेम है, हाँ या नहीं। अब सुन तो लो बेटा, मैं इधर प्रॉफिट और लॉस एक साथ कैलकुलेट, मतलब अभी कैलकुलेट नहीं करूंगा। तुम पूछोगे क्यों? अबे जंपिया, ट्रेडिंग अकाउंट याद है क्या? ठीक है, तुम क्या करते हो, परचेस लिखते कि नहीं लिखते? राइट, परचेस 1, परचेस 2, परचेस 3, उदाहरण के तौर पर सेल 1, 2, हर बार क्या जीपी निकालते? क्या हर बार जीपी निकालते? मतलब पहला बाय किया, पहला सेल किया, जीपी काटा रे? नहीं, जीपी शेवटी काटतो का नहीं? कैन वी नॉट कैलकुलेट जीपी एट द एंड? सो बेटा इन्वेस्टमेंट में भी हम ऐसा ही करेंगे, पूरे साल भर में जितना बाय किया, पूरे साल भर में जितना सेल किया, क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, जैसे तुम करते हो परचेस सेल क्लोजिंग स्टॉक जीपी से यस। क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कर दे फीफो या वैक से, वैसे मैं भी क्या करूंगा, इसको फीफो और वैक से कर दूंगा वैल्यूएशन, और फिर जो बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आया तो प्रॉफिट, क्रेडिट में आया तो लॉस। अरे जंपिया वही तो है ना रे, ट्रेडिंग अकाउंट ही है ना सर। तो क्या इधर आएगा क्या प्रॉफिट और लॉस? नहीं आएगा। बहुत प्यारा बच्चा है मेरा। प्रॉफिट और लॉस हम लास्ट में निकालेंगे। पांड्या ये लिख लिया क्या? हाँ नहीं लिखा, अभी लिख बेटा। अच्छा वर्किंग नोट लिखिए, हाँ अभी लिख। हो गया पांडे जी? बहुत भारी पांडे जी। अभी मैं क्या करूंगा, 1/10 के पास चला जाऊंगा। 1/10/2008 को क्या मुकदमा चला है? परचेस। पहले ड्यू डेट तो बता दो, 30 सितंबर, हाँ या ना? देखो ना, दो ड्यू डेट कौन सी, 1 अक्टूबर और एक सॉरी 30 सितंबर और 31 मार्च। 1 अक्टूबर के पहले कौन सी डेट आती है? 30 सितंबर। इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं? क्यों नहीं मिलेगा भाई झंडू बाम? अरे ए दारूडिया, इधर इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक दिन का कौन पूछ रहा है? ऐसा मिलेगा और वैसा नहीं मिलेगा। अच्छा ये बच्चा कंफ्यूज हो गया था कि जो सर वो बाय करेंगे ना उसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट नहीं आएगा, वो उसकी बात कर रहा है। अब यार मेरे झंडू बाम, उसके पहले 30 सितंबर ये डेट आएगी क्या? नहीं आएगी, वो मिलेगा। पूरी क्लास 1 20 20 140 माइनस 50 90। अगर तुमने इधर धमाल कर दिया ना, इधर नॉमिनल वैल्यू में, पेपर लई सोप्पा होता सर। अरे पण बाळ बशी घेऊन आला, क्योंकि तू इधर लिख के आया, तेरा बैलेंस इधर गलत आएगा। अरे हाँ नहीं, इसीलिए इंटरेस्ट के वक्त मेरे खरबूजे इधर कुछ मत लिखियो, नहीं तो ऐसे ही डूबेगा। अब बाय कैश ऑब्लिक बैंक, कैन आई नॉट से 90,000 इंटू 9% इंटू 6/12, क्योंकि ड्यू डेट के दिन आपका इंटरेस्ट निकलता है, ड्यू डेट टू ड्यू डेट। ये छोरी बिल्कुल जोरदार बोली 4050। तारीख बताइए सरकार। 110 क्या हो रहा है? बाय या सेल? परचेस। पांडे जी चले भी उस वर्किंग नोट पे, जब भी हम बाय और सेल करते तो हम उस वर्किंग नोट में जरूर जाते और उस वर्किंग नोट में हम आए। 110 2008, कैन आई नॉट हैव द फिगर प्लीज? 15,000, सच ए लवली पीपल। और बेटा जी क्या करने का? लास्ट ड्यू डेट टू डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, तो 110 2008 से लेकर 110 2008 जीरो। प्राइस कौन सी दी है? कम इंटरेस्ट एल है बेटा। 150 इंटू 98 करके बता। 14,700, you are absolutely right, and this is also 14,700 and nil. अबे समझे क्या? क्योंकि बेटा इंटरेस्ट है ही नहीं, तो कम इंटरेस्ट इज इक्वल टू व्हाट? एक्स इंटरेस्ट। चलो बाय करते तब कहां पे लिखते हैं हम? डेबिट साइड। सो बाय करते डेबिट साइड में लिखते हैं, तो आ जाओ इधर। ये तारीख आएगी 1/10/82, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। कितना बाय किया बेटा जी? 15,000, इंटरेस्ट जीरो, और अमाउंट आप कितनी बता रहे थे? 14,700। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। बेटा नेक्स्ट डेट कौन सी है? 1/11। सोल्ड कर रहा हूं 1/11 पर आ जाओ। आ गए क्या? 1/11/2008 कितने सेल कर दिए पांडे जी? 300। तो कैन आई नॉट से 30,000? बेटा लास्ट ड्यू डेट थी 30 सितंबर, तो ये डेट बनेगी 1/10/2008 से लेकर 1/11/2008। महीना बन गया 1। 10वां महीना रहेगा ना, 11वां तो एक ही तारीख है। बेटा इंटरेस्ट बता 225। बेटा प्राइस कौन सी दी है, कम या एक्स? एक्स इंटरेस्ट। तो बेटा कर 300 × 99। वेरी गुड बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। 29,700। तो जाहिर सी बात है कम इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 29,925। यस पोपट चले आगे। So where are we on the date? Which is the date beta? 1/11/8 by cash oblique bank account। कितना बेच दिया बेटा? 30,000। बेटा इंटरेस्ट कितना? 225। और बेटा ये कितना आएगा? ये बता रहे हो 29,700। ऑलराइट, अभी भी अपना फोकस मत छोड़ो। मुझे अब एक बात बताओ, यहां तक आ गया? मुझे बताओ अभी क्या करना है आपको। लास्ट डेट व्हेन ड्यू डेट इज नॉट इक्वल टू ईयर एंड, यू हैव टू मेक द एंट्री ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल। से यस, इंटरेस्ट रिसीवेबल की एंट्री बताओ। इंटरेस्ट रिसीवेबल टू इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, हाँ या नहीं? एकदम सिंपल ट्रिक है। मैं इधर लिख दूंगा 31 दिसंबर 2008। मुझे करना क्या है, पूरी क्लास ध्यान से देखेगी। 1,20,000 प्लस 20,000, कहां गया? 1,20,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000, कितना आ गया बेटा जी? 1,65,000 सॉरी 55 माइनस 50,000 एंड माइनस 30,000, 75,000। सो कैन आई नॉट से बाय accrued interest? या यू कैन ऑल्सो राइट डाउन इंटरेस्ट रिसीवेबल, बट accrued interest is more appropriate because I cannot say it is a due. So I'll write down 75,000 into how many percentage? 9% into how much? 3/12 क्योंकि लास्ट ड्यू डेट टू ईयर एंड 1687.5 1687.5। तुमको मैक्सिमम मार्क मिले इसलिए मैं आपको अभी नेक्स्ट कंडीशन ये बता रहा हूं कि तुरंत इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दो पी एंड एल अकाउंट, क्योंकि उसमें एक भी बार कोई चीज चेंज नहीं होने वाली। हम लास्ट तक आ गए, ईयर एंड तक आ गए। अब इंटरेस्ट का जो भी बैलेंस है वो कहां पे ट्रांसफर कर देंगे? पी एंड एल अकाउंट। सो कैन आई नॉट से टेक ऑन ए कैलकुलेटर 6,300 प्लस 1125 प्लस 4050 प्लस 225 प्लस 1687.5 माइनस 2700 माइनस 750 99। इसको क्रेडिट बैलेंस होता है, मैंने आपको हमेशा बताया। सो कैन आई नॉट से 31 दिसंबर 2008, आई विल राइट डाउन टू पी एंड एल अकाउंट। कितना है बेटा? 37.5 9937.5। ये पी एंड एल अकाउंट में गया क्या? 9937.5। हो गया बेटा जी? 9937.5। अगर आप थोड़ी सी देर के लिए पॉज लेते हैं तो मुझे आपको और एक चीज समझानी है। अभी हम फीफो और वैक के बारे में बात करेंगे। पहले आपको ये दिक्कत आनी चाहिए कि सर फीफो और वैक कैसे अलाउड है। लेट मी एक्सप्लेन यू। जब कोई इन्वेस्टमेंट होमोजीनियस हो, या कोई प्रोडक्ट होमोजीनियस हो. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू दैट आई एम बाइंग अ वाटर बॉटल, राइट, आई एम बाइंग अ वाटर बॉटल. तो बेटा वाटर बॉटल के अंदर मैंने उस वाटर की बॉटल को अलग अलग इसमें बाय किया था. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आई एम बाइंग अ एक्वाफिना बॉटल. मैंने बाय किया था 1 2 3 4 5, मतलब 5 लॉट में बाय किया. इधर मैंने बाय किया 100 बॉटल्स, इधर मैंने बाय किया 200, इधर 30, इधर 70, इधर 600. ये मेरे स्टॉक में थी इतनी बॉटल. एक कस्टमर आया और कस्टमर ने एक बॉटल उठाई. अब वो कौन सी बॉटल उठाया वी डोंट नो. सो दैट इज द रीजन इट विल वर्क ऑन assumption, assumption of FIFO or WACK. Are you getting my point? So similarly, इस बॉटल को मैं रिप्लेस कर देता हूं कि मेरे पास 9% डिबेंचर्स थे उस कंपनी के. 100, 200, 30, 70 और 600 वो कौन से इन्वेस्टमेंट को बेचा पता नहीं. तो व्हाट आई कैन फॉलो FIFO और WACK. सो FIFO और WACK से जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, सेल और क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है तो हमें क्या मिल जाता है जीपी. जब तक मैं क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकालूंगा तब तक मुझे प्रॉफिट नहीं मिलेगा इन्वेस्टमेंट का. इन्वेस्टमेंट में भी जाके देख लो, डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक है, हाँ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है, और परचेस जो भी किया डेबिट साइड में है, सेल जो भी किया क्रेडिट साइड में है. क्लोजिंग स्टॉक अगर मैं निकालने में कामयाब हुआ तो मुझे ऑटोमेटिकली उस पर क्या मिल जाएगा प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल. एम आई कम्युनिकेटिंग और नॉट. सो लवली पीपल, उसको निकालने के 2-3 तरीके हैं. सो पहले मैं आपको क्या सिखा रहा हूं FIFO. अब बेटा पूरी क्लास ध्यान देखिए. आप डेबिट साइड में देखिए, आपने जितने भी बाय किए आप उतने बॉक्सेस बनाएंगे. बाय या ओपनिंग बैलेंस अगर आपका होगा तो बना सकते हो. ये बाय के बॉक्सेस बनेंगे. अच्छा, पहले ओपनिंग बैलेंस कितना था बेटा जी? 1,20,000 इज व्हाट फेस वैल्यू, हाँ या ना? तो कैन आई नॉट से मेरे पास 1,200 यूनिट थे, हाँ या ना? और उसकी रेट कितनी थी? तो बेटा लो कैलकुलेटर पर 1,18,000 डिवाइड बाय 1,200, 1,18,000 डिवाइड बाय 1,200, 98.33. गाई नको करो. ये डेट कौन सी थी? 1/1/2008. फिर 1 मार्च 2008 को मैंने और कितने बाय किए? बाय कितने किए? 200. और बेटा इसकी रेट कितनी थी? इसकी रेट थी एक्स इंटरेस्ट प्राइस वाली 98. क्या पांडे जी? एक्स इंटरेस्ट प्राइस. और फिर वापस मैंने बाय कितने किए? ये डेट थी 1/10/2008. बाय किए थे कितने मैंने? 150. पांडे जी अगर 98 कम इंटरेस्ट प्राइस बोले ना तो समझ लो बोल्ड हो गए तुम, क्योंकि इन्वेस्टमेंट विल ओनली फॉलो एक्स इंटरेस्ट प्राइस. सो बेटा जी अगर आप डेबिट साइड में देख रहे हो अच्छे से, अच्छा ये डेबिट साइड में अगर आप देख रहे हो, सो ये वाला बाय किया ना आपने 15,000, ये प्राइस है ना, कितना है 14,700 डिवाइड बाय 150 करो 98. ये लकीली सेम क्यों आ रहा है पता है क्या? क्योंकि बेटा एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट प्राइस सेम थी. अबे पांड्या ध्यान में रख, कम इंटरेस्ट प्राइस नहीं ले सकते. कौन सी लेना पड़ेगा? एक्स इंटरेस्ट. और वो अगर कम इंटरेस्ट दिया है तो कम इंटरेस्ट वाली नहीं लेने का, ये लेने का. डिवाइड बाय क्वांटिटी. क्वांटिटी कितनी है? 150. से यस और नो. सो कैन आई नॉट से यहां पर मैं लास्ट में बोलूंगा कितना है रेट, कितना है? 98. अब हमको कौन सा रूल बोला है फॉलो करने के लिए? FIFO. अच्छा, कब कब हुआ है? सेल हुआ है 1/7/2008 को. अरे ये डेट मैंने गलत लिख दी क्या? नहीं, ये ओपनिंग बैलेंस, ये क्या है? परचेस है. और ये क्या है? परचेस. एग्रीड. अच्छा, अब सेल कब हुआ है बेटा? तो क्या इधर बोल सकता हूं क्या 1/7/2008 कितना सेल हुआ? 500 यूनिट. गांव वालों ध्यान रहे, इधर प्राइस नहीं लिखनी है, प्राइस नहीं लिखनी है. नेक्स्ट, सेल हुआ 1/11 को. तो कैन आई नॉट से 1/11/2008 कितने सेल हुए? 300. तो क्या किया बेटा मैंने जी? जो परचेस किया उसके बॉक्सेस बनाए और जो सेल किया उसके एरो बना दिए. से यस. पांडे जी रूल सिंपल है. अभी FIFO का तो एकदम इजी है. फीफो का स्टॉक इधर ऊपर आएगा। कैसे? फीफो में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये 500 है, ये गया, ये गया। अब सेल होएगा तो जाना पड़ेगा ना, जो पहले आया वो पहले आउट होएगा। सो 1200 पहले से है, तो 500 चले गए तो ये कितने बच गए, 700 है नहीं। फिर ये 300 जाने का बोल रहा है, बोलेंगे जा। 300 किस में से निकलेगा, 700 में से। कितने बच गए, 400। ये ले बे वैल्यू ऑफ स्टॉक, फीफो में वैल्यू ऑफ स्टॉक 400 इंटू 98.33 प्लस 200 इंटू 98 प्लस 150 इंटू 98। बताओ बेटा कितना आ रहा है, 73,633.33। ठीक है, तुमको समझा क्या? क्या समझा? फीफो में क्या करते हैं कि जब जब जो एरो है नीचे गए, सेल करना है तो इसको काटो और जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में उसमें से स्टॉक निकालते जाओ। अबे ये बॉक्सेस है, जैसे जैसे मैंने बाय किया पहले बॉक्स में डाला, फिर दूसरे बॉक्स में डाला, फिर तीसरे बॉक्स में। अब फीफो फॉलो करना है तो पहले क्या, पहले बॉक्स को एम्प्टी करने का, फिर दूसरे बॉक्स को, फिर तीसरे बॉक्स को। तो पहले बॉक्स को एम्प्टी करते चला गया तो कितना बच गया उसमें, 400 इंटू 98.33 एम प्लस 200 इंटू 98 एम प्लस एंड 150 इंटू 98। यस और नो? यस। सो बॉयज एंड गर्ल्स लिख कर ले लो और वैल्यू ऑफ स्टॉक आपका आएगा 73,633। प्लीज। बेटा आपने लिख लिया 73,633 लिखा आपने। चलो अभी इसको कहां पे लिख देंगे, क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे क्या? अरे तू इतनी सी चीज नहीं संभाल सकता जीवन में, आगे कैसे संभालेगा? हाँ, पेंसिल नहीं संभाल सकता ना, लाइक। वेरी गुड, कैलकुलेटर गया। श्रद्धांजलि दिए। 31 दिसंबर 2008 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बेटा कितना वैल्यू का बच गया था, फेस वैल्यू 75,000 ना, और उसकी वैल्यू कितनी आई थी 73,633। अब बेटा इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर चेक करके मुझे बता कितना है, 1033। डेबिट में आ रहा है क्रेडिट में आ रहा है, डेबिट में आ रहा है कि क्रेडिट में आ रहा है? डेबिट में आ रहा है क्या बेटा? अगर डेबिट में आ रहा है तो दैट विल बी पी एंड एल अकाउंट, इट इज अ प्रॉफिट, क्योंकि पी एंड एल को क्रेडिट में जाएगा। याद है क्या, प्रॉफिट ऑन सेल। सो इन टोटलिटी आप वापस यहां पर लिखेंगे 31 दिसंबर 2008 टू पी एंड एल अकाउंट, इन द ब्रैकेट आई विल राइट डाउन प्रॉफिट ऑन सेल। तो कितना आएगा अमाउंट कॉलम में 1033 एंड इट टैलीज क्या मेरी बात आप तक पहुंची अच्छे से? सुनिए ना, इसी चीज को एक और बदल हो सकता है इसमें। फीफो की जगह पे एग्जामिनर क्या बोल देगा? वैक कर। तो अगर मैं आपको ये वैल्यू वैक से निकालना सिखा दूं तो आपका बाकी का पूरा प्रोसीजर सेम रहेगा, सिर्फ वैक से क्लोजिंग स्टॉक आएगा एंड अल्टीमेटली विल हैव अ प्रॉफिट और लॉस। अब वैक में क्या करते देख लीजिए, वर्किंग नोट कुछ भी चेंज नहीं होती है, एज इट इज रहती है, सिर्फ एक फर्क पड़ता है। वैक का मैथ्स में मीनिंग है वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। तुमने अगर वर्ड बराबर से सुना तो मैंने वर्ड यूज किया एवरेज। जैसे ही मैं सेल करूंगा मैं बचे हुए चीज का एवरेज निकालूंगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? जैसे ही मैं सेल कर दूंगा मैं क्या निकालूंगा? एवरेज कॉस्ट निकालूंगा। तो सेल के ऊपर वैक निकलना जरूरी है। वैक ये अपने आप आ जाएगा, सेल के ऊपर वैक। और वैक का फॉर्मूला एकदम सिंपल है, सेल के ऊपर बराबर बनाना। ये देखो, ये इधर सेल है ना, इसके पहले ऊपर वैक बन जाएगा। अब वैक कैसे निकलेगा? इसके पहले का, मेरा कर्सर दिख रहा है क्या? इसके पहले का जो भी बाइंग है उसका समेशन करने का, उसकी कॉस्ट का समेशन करने का, डिवाइड बाय क्वांटिटी, यू विल गेट वैक 1। डू यू ऑल एग्री? तो पहले मैं क्या करूंगा? वैक निकालने के पहले लिखूंगा बैलेंस। कितना बैलेंस बचा? 1200 प्लस 200 1400 माइनस 500 900। सो मैं लिखूंगा 900। फिर मुझे लिखना है वैक। अब देखो बेटा वैक कैसे निकालूंगा मैं, तो मैं इधर लिखता हूं वैक 1। पांडे जी वैक 1, तो वैक 1 का वर्किंग इधर दे रहा हूं, इज इक्वल टू 1200 इंटू 98.33 ब्रैकेट क्लोज प्लस 200 इंटू 98 डिवाइड बाय 1400। डू यू अंडरस्टैंड? वैक निकाला। बताओ कितना वैक आ रहा है? 98.28। समझे? बताओ क्या किया? पहले तो बैलेंस निकाला, कितना बच गया, और वैक निकाला। वैक कैसे निकालना? इतनी क्वांटिटी इतने रुपए में बाई की, इतनी क्वांटिटी इतने रुपए में बाई की, इनका मल्टीप्लिकेशन टोटल कॉस्ट मिली, डिवाइड बाय व्हाट? क्वांटिटी। आई एम श्योर यू हैव डन दिस इन कॉस्टिंग एज वेल, यस और नो? सिमिलरली अब इधर वैक निकालना है, तो वैक 2, बेटा वैक 2 के पहले मैं इधर लिख दूंगा बैलेंस। अब जरा ध्यान से देखो, मेरा कर्सर येलो का काम मूव हो रहा है। 900 प्लस 150 माइनस 300, अरे बराबर है क्या? नहीं भाई, 900 का बैलेंस बचा था और 150 ऐड हुआ, एग्रीड, माइनस 300, कितना बैलेंस बच गया? तो 750 क्वांटिटी बची। अब मुझे निकालना है वैक 2। अब वैक 2 का सिंपल है, इधर तक की तो वैक निकल गई ना, अब इसके पीछे नहीं जाने का, इस वैक 1 से आगे बढ़ने का। सो वैक 2 का फॉर्मूला ऐसा आएगा, कैन आई नॉट से 900 इंटू 98.28 ब्रैकेट क्लोज प्लस 150 इंटू 98 डिवाइड बाय, बेटा टोटल कितना आ गया? 900 प्लस 150 1050, कितना आ रहा है? ये 98.28 आया था और ये 98.24, तो इधर आ गया वैक 2 98.24। सो बेटा कितना आएगा? 750 इंटू 98.24, कितना आ रहा है? 73। सो इसका वैल्यू आएगा 73,686.80। और ये वाली वैल्यू हम कहां पे डाल देंगे बेटा जी? क्लोजिंग, और ऑटोमेटिकली आई विल गेट द प्रॉफिट और लॉस। क्या आपको समझा? वैक में सिर्फ इतना ही फर्क है, वैक निकालने का तरीका अलग है, बाकी तो पूरा सेम टू सेम ही है। ऑलराइट बेटा वैक निकाल दो अभी आप। ये है वैक। जब जब सेल किया ऊपर पहले बैलेंस निकालो और वैक निकालो। वैक निकालने का तरीका आपको पता है। से यस, बी क्विक। तीन चार लड़के एक साथ गिरे दिखता है। कौन गिरा रहे बाहर? ऐसे चिल्लाने की आदत है, इडियट्स। बोल क्या क्वेरी बेटा, उसको डाउट है। अच्छा तू नहीं बता, बोल भाई क्या डाउट है। वैक कैसे निकालना, नहीं नहीं वो सिंपल एवरेज हो जाएगा। व्हाट यू सेइंग ना, 1200 इंटू 98.33 प्लस 200 इंटू 98 प्लस 150 इंटू 98 डिवाइड बाय व्हेन यू डू द टोटल क्वांटिटी दैट विल बिकम सिंपल एवरेज। यू कैन नॉट डू दैट, यू कैन नॉट डू दैट। हाउ यू हैव टू डू वैक इज, जब जब सेल होगा उस समय, सेल के वक्त तुझे आगे की क्वांटिटी कैसे बताओगे, तो जब सेल हुआ तब तू पूछ कि उस समय क्या प्राइस थी, तो जो पहले बाय किया था उसकी टोटल कॉस्ट निकाली, उसको टोटल क्वांटिटी से डिवाइड किया, तुझे वैक 1 मिली और इस वैक 1 पर ये इश्यू दिखाएगा तू उधर। फिर जो बच गया ये इधर आया, दिस 900 इंटू 98.28 प्लस 150 इंटू 98, ये तुझे टोटल कॉस्ट मिल गई, डिवाइड बाय 900 प्लस 150 दैट इज व्हाट 1050। यू विल गेट नाउ वैक 2 जिस पर तू अगला इश्यू करेगा। सो जो वैक 2 इंटू दिस मल्टीप्लाई आपको आंसर मिल जाएगा। समझ गया, गुड। तो अभी इसका एक ट्रिक मैं ऐसे बताता हूं क्लास में, जब जब सेल किया तब तब वैक निकालो, जब जब सेल किया तब तब वैक निकालो। कुछ बच्चे पूछते हैं एग्जाम में ऐसे किया तो चलता है क्या, बिल्कुल चलता है। और फिर भी तुमको अगर करना है तो यू कैन डू दैट होल लॉट ऑफ वर्किंग द वे यू वांट इट। इनफैक्ट वर्किंग नोट्स आर नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट, या ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं रहता कि यही फॉर्मेट चाहिए। तुम्हारा आंसर तुमने अगर डिराइव किया है लॉजिकली, so the way you want to do the working note it's okay, so you'll get the marks। बेटा ये यहां तक लिख लिया कि आपने ऊपर तक का हो गया। तो अब इसका आंसर नहीं निकाल रहा हूं मैं क्योंकि हम ऑलरेडी आंसर निकाल चुके हैं, बट वैक से निकालेंगे तो इस तरीके से जो कुछ भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो प्रॉफिट निकल जाएगा। इज दैट ओके? सो क्या आपको अभी लगता है क्या जो इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज है उसका पूरा रिविजन करने के लिए 15 मिनट सफिशियंट हो जाएंगे थ्योरी का आज का पढ़ाने के बाद? और फिर बचा हुआ टाइम में आज आप क्या कर लोगे, सारे मॉड्यूल पीएम के क्वेश्चंस देख लो इसके, एंड इफ यू आर एबल टू डू इट, मेरा भरोसा मानो आपका टारगेट कितना है 1.5 आवर विद इन विच यू हैव टू वाइंड अप दिस टॉपिक। जब तक दिमाग में टारगेट नहीं रखोगे होएगा नहीं। सो 1.5 घंटा मैंने आपको दिया, किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आज घर पर जाकर आप क्या करोगे, पहले फिक्स्ड, अच्छा 1.5 घंटा का एग्जाम के दिनों की बात कर रहा हूं मैं, अभी थोड़ा सा टाइम ज्यादा लिया तो चलेगा, बट वाइंड अप दिस टॉपिक। मेरे को लगता है कि 3 घंटे अगर तुम इत्मीनान से बैठे तो ये टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा। इज दैट ओके? वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटी वी स्टार्ट टुमारो। इज दैट ओके? चलो प्यार से बाय बोलो, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।